নমস্কার। হে গোটে উনম কৃষ্কার, প্রভু কা পাবন নাম, প্রভু কা পাবন নাম। যে গোটে সত গুরু শান্তি ওয়ালে তুমকো লাখো প্রণাম, ভক্তোঁ কে রখওয়ালে তুমকো লাখো প্রণাম, সূত্রধার পরিবার জিতনে সবকে প্রেম বতর সপনে, অন্ত সময় কোই নাহি আপনে, ভৌপার লগানে ওয়ালে তুমকো লাখো প্রণাম, ভক্তোঁ কে রখওয়ালে তুমকো লাখো প্রণাম, বেদ বেদান্ত পুরাণ বতায়ে, সদাচার সৎসঙ্গ গায়ে, জ্ঞান যোগ কা বেদ বতায়ে, জ্যোতি জগানে ওয়ালে তুমকো লাখো প্রণাম, ভক্তোঁ কে রখওয়ালে লাখো প্রণাম, ভক্তোঁ পর হৈ তুমরে কারণ শোক বিমোচন, গুরু তুমি পাপ কে মোচন, সৎ
शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, कर जान कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हर दम दीजे, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले लाखों प्रणाम। श्रुत गुरु शांति वाले तुमको लाखों। जय गुरुदेव। सुमिरन कर लीजिए सब लोग, सुमिरन पर बैठ जाइए। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज शरद पूर्णिमा आयोजित इस कार्यक्रम की प्रातः काल की बेला में 24 अक्टूबर 2018 को लखनऊ की इस धरती पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों का दर्शन
मिला। अभी इतनी भारी संख्या में अपने लोगों ने एक साथ सुमिरन ध्यान और भजन किया। असली चीज यही है, ये काम अगर कर ले जाओ तो इसी से सब काम बन जाएगा। देखो, नकल की कोई कीमत नहीं होती है और असल की कीमत होती है। तो ये जो जगत है, यह संसार है, ये परिवर्तनशील है। फूल जब खिलता है, खिलने से पहले कली रहती है, कली की ज़्यादा कीमत होती है, कली को लोग ज़्यादा खरीदते हैं कि ये खुशबूदार कली है और इसको ले चलेंगे तो धीरे धीरे खुशबू ये कई दिनों तक रहेगी। और फूल की कीमत थोड़े समय तक होती है और मुरझाने के बाद उसकी कीमत खत्म हो जाती है। सूख जाने के बाद उसको कोई घर में रखना नहीं पसंद करता है, फेंक देता है। जैसे ये ऋतुएं आती हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात, दिन और रात, ये क्या है? ये परिवर्तन है, ये परिवर्तनशील संसार है। जो इसमें परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन हो जाता है, उसकी कीमत कम होती जाती है और एक दिन खत्म हो जाती है। ऐसे इस शरीर की कीमत है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि शरीर की कीमत खत्म हो जाएगी। फिर यह जगत जिसको आप अपना समझते हो, दुनिया को आप अपना समझते हो, ये स्वप्नवत हो जाएगा। शंकर जी पार्वती जी को उपदेश कर रहे थे, तो समझा रहे थे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और वो बड़ी चीज़ होती है, अनुभव का मतलब जो चीज आदमी अंदाज लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, वो अनुभव कहलाता है। जैसे बर्फ के ऊपर हाथ रख दिया तो बर्फ ठंडा हो गया, तो कहोगे हमारा अनुभव है कि बर्फ ठंडा है। आग के पास बैठ जाओ, बदन गर्म हो जाए, कहोगे हमारा ही अनुभव है कि आग में गर्मी होती है। ऐसे उन्होंने कहा कि मेरा ही अनुभव है, ऐसे मुझसे नहीं कह रहा हूँ, अनुभव है कि पार्वती ये जगत सपने की तरह से है। जैसे रात को कोई सपना देखता है और सुबह उठता है तो वो गायब हो जाता है, राजा बन गया, महाराजा बन गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गया, सेठ साहूकार बन गया, भिखारी बन गया। सपने में मार खाते हैं तो बहुत से लोग रोते हैं और जब आँख खुलती है तो आंसू तक निकलता है। तो ये जगत स्वप्नवत है, यहाँ की कोई भी चीज़ अपनी है ही नहीं। हर भजन यानी प्रत्येक के लिए भजन, हर भजन जगत सब सपना, प्रत्येक के लिए भजन ही अरे समझ लो कि असली चीज़ है। अब यह है कि भजन का मतलब क्या होता है? भागना, भागना मतलब जगह छोड़ देना। तो इस दुनिया संसार में गृहस्थ आश्रम का भी एक धर्म होता है। जैसे पुत्र धर्म, पतिव्रत धर्म, जिस तरह से राज धर्म, आए समझ लो समाज धर्म, ऐसे परिवार का धर्म होता है। क्या धर्म होता है? कि जो लोग आश्रित हैं, जिनसे अपना लेना देना कर्मों का है, पिछले जन्मों का, उनको अदा कर लेना, एक अपना धर्म होता है।
तो धर्म का पालन करते हुए इसको स्वप्नवर समझना चाहिए। काल जो समझे प्रभुता परछाई और प्रभुता पाए ताज मर नहीं। आज भी ये सोचे कि आज हमारे शरीर में बल है लेकिन कल नहीं रहेगा। आज भी अगर ये सोचे कि आज हमारे पास पद है, पोस्ट है, ऊंची कुर्सी पर हम बैठे हैं, कल नहीं रहेगा। आज भी ये सोचे हमारे पास आज धन है, कल नहीं रहेगा, तो उसको अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो अहंकार जब आ जाता है तो करा कराया सब गया और जब आया अहंकार, अहंकार ही तो अरे समझ लो आदमी को कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं देता है। अहंकार में आदमी का काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यानी अहंकार में ही ये काम क्रोध लोभ मोह बढ़ जाते हैं और उसी में आदमी आयुष्काल में का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो देखो ये जितनी भी चीज़ें दोनों आँखों से दिखाई पड़ती हैं ये अपने कुछ है ही नहीं, ये सब छूट जाने वाली चीज है। आप देखो जिस घर को आप अपना घर कहते हो किसी को बाप दादा भी कहते कहते चले गए, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा, सोचो उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा। इसी को सोचना और समझना, इसी को ज्ञान कहते हैं। वो बलक मुखारे का बादशाह एक दिन अपने दरबार में बैठा हुआ था, हंसी खुशी का माहौल था। उसी समय एक रुआबदार आदमी जिसको किसी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई दरवाजे पर वहाँ पहुँच गया और बोला किस सराय में कौन रहता है। सराय किसको कहते, धर्मशाला को। शाम को आओ, रात को आओ, रुक जाओ, ठहर जाओ और सुबह हो तो चले जाओ। तो कहा इस सराय में कौन रहता है। तो दरबार में लोग बैठे हुए थे, बोले आप गलत जगह पहुंच गए, यह सराय नहीं है, यह राजा का महल है, बादशाह का यह महल है। बोले जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, इस सराय में रहता कौन है। तो बादशाह को और शुरू हो गई कि भाई लोग कह रहे हैं सराय नहीं है, ये सराय कह रहा। तो बादशाह को आ गया क्रोध, कहा मैं रहता हूँ, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, ये मेरा दरबार है, ये मेरा महल है, मैं इसमें रहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि आपसे पहले कौन रहता था। बोले मेरे पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था, उनके पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था, उनके पिताजी रहते थे। तब उसने कहा बताओ इतने लोग आए और रह करके चले गए, ये सराय नहीं है और क्या है, धर्मशाला नहीं है तो और क्या है। आपका अगर अपना होता तो इसी तरह से आपके पिताजी, उनके पिताजी भी यही कहते रहे कि ये मेरा मेरा मेरा, फिर क्यों चले गए होते। उसी पर उसको ज्ञान हो गया और सोचने लगा कि वास्तव में मेरा मकान नहीं है, वास्तव में अरे समझ लो कि यह मेरा शरीर नहीं है, ये दुनिया मेरी नहीं है। सोचता रहा, जब उठ करके गया शाम को तो बाहर छत के ऊपर बैठा हुआ था, तब तक वही आदमी पे दिखाई पड़ गया। तो परछाई सी दिखी अंधेरे में, पूछा कौन। बोला खिजीर। खिजीर किसको कहते हैं, जो भूले भटकों को रास्ता बताते हैं, जैसे महात्मा संत होते हैं। लोग जब भटक जाते हैं तो उनको सुधारते हैं, क्योंकि महात्मा के संतों के सब अपने ही बच्चे होते हैं, उनके अपना कोई आईनी बच्चा नहीं होता है, आईनी समझो उनके रक्त बीज का पैदा किया हुआ कोई बच्चा नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से जिनके बच्चे नहीं होते हैं और गोद ले लेते हैं, दत्तक पुत्र बना लेते हैं दूसरे के बच्चे को, ऐसे ही महात्मा के सब बच्चे होते हैं, संतों के सब बच्चे होते हैं। तो वो बराबर रास्ता बताते रहते हैं कि जिससे इनका दुख दूर हो जाए, यानी बाहर से भी
शरीर को जो कष्ट होता है, दिल दिमाग को जो कष्ट होता है, वो भी अन्य समय लोग के दूर हो जाए, खत्म हो जाए। और सूरत तू महादुखी हम जानी, यानी जो ये जीवात्मा है ये समय लोग की बहुत दुखी है, क्योंकि इसका दर छूट गया, इसका घर छूट गया। जब से ये सतलोक से यहाँ नीचे उतरी अभी तक ये पहुँच ही नहीं पाई। कुछ समय तक तो ये अन्य समय लोग की ऊपर के लोगों में रही, ऊपर के लोगों में से फिर इधर नीचे आ गई, और फिर इधर से अरे भटकते भटकते अगर पहुंची भी कुछ दूर तक तो आगे का रास्ता नहीं मिला कि जिससे उस मालिक के पास पहुंच जाए, तो फिर ये लौट करके आ गई। इस खेल को, इस रहस्य को, इस रचना को आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन जिन्होंने समझा और जिन्होंने देखा उन्होंने तो सब लिख भी दिया, बता भी दिया। तो आप समझो ये उसी तरह से दुखी है कि जैसे एक बादशाह की लड़की, राजा की लड़की कहीं किसी दुष्ट के हाथ में यानी पड़ जाए और वो उसको ले जाए और अपने पास जंगल में रखे, झोपड़ी में सुलावे और वो मोटा झोटा खिलावे, उसी तरह का कपड़ा पहनता है जैसा गंदा मैला कुचैला पहनावे और उसी तरह से खिलावे और रखे, तो कुछ दिन तक तो उसको याद आती है, कुछ दिन तक बराबर याद करती है, लेकिन यानी उसके बाद में फिर याद आना ही बंद हो जाता है, क्योंकि ये उसी में ढल जाती है। लड़के की शादी कर देते हो तो लड़के की शादी जब यानी कर देते हो जाती है तो दो चार दिन तक घर की बहुत याद आती है, पीहर की रोती है, माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए रोती है, लेकिन धीरे 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 उसी घर में फिर ढल जाती है, मिलजुल जाती है, नरम हो गरम हो घर। नरम गरम का मतलब क्या होता है, कोई बहुत बड़ा आदमी होता है और उसकी लड़की है, लेकिन देखा कि लड़का होनहार है, लड़का कमा करके खिला ले जाएगा, पिता की संपत्ति को यह बर्बाद नहीं करेगा, दिल दिमाग इसका तेज है, लेकिन इस समय पर रहन सहन थोड़ा सा कमजोर है, तो भी शादी लोग कर देते हैं। लड़के को देख करके, होनहार देख करके फिर वो आगे को बढ़ा देता है, आगे धन संपत्ति बढ़ा देता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ा देता है। लेकिन लड़की जब यानी अच्छी घर से गई और थोड़ा आने समय लोग की खाने पहनने की यहाँ से कम सुविधा है वहाँ, तो समय लोग की वो महसूस तो करती है, लेकिन फिर आने समय लोग उसी में ढल जाती है। जो आने यहाँ मान लो काफी पीती थी और वहाँ चाय ही मिला, यहाँ तीन तरह की सब्जी खाती थी वहाँ एक ही तरह की सब्जी मिली, तो आने समय लोग की फिर उसी में ढल जाती है। और ढल जाती है तो यानी पीहर को, अपने मायके को, पिता को भूलने लगती है, तो पिता कुछ समय के बाद तो याद करता ही है, लड़की भले भूल जाए लेकिन पिता फिर जाते या किसी को भेजते हैं। तो सतपुरुष के ही की ही ये सारी अंश हैं, सारी जीवात्माएं हैं, उनको इस बात की फिक्र है कि ये आने समय लोग के निकाले जाएं, यहाँ बुलाए जाएं, ये वहाँ ठोकर न खाएं, तो अरे वो भेजते हैं, अरे संतों को भेजते हैं कि जैसे कोई बाप ब्याही हुई अपनी लड़के के यहाँ किसी को अरे भेजता है, जाओ हाल ले आओ, पता कर लाओ, तो जाता है तो बताता है कि भाई हम जो है तुम्हारे यहाँ से आए हैं। कहाँ से? तुम्हारे मायके से, पीहर से, तुम्हारे पिता के यहाँ से आए हैं। तब उस लड़की को पिता याद आते हैं, तब उसको पीहर मायका याद आता है और फिर हालचाल पूछती है, और धीरे 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 यानी दो चार दिन जब वो रहता है तो पिता से मिलने की इच्छा यानी लड़की की पैदा हो जाती है, प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है और सिफारिश भी करती है कि यानी अब हमको निकालो यहाँ से और हमको आप ले चलो, पिता का मुलाकात कराओ हमको वहाँ जहाँ से हम आए, एक बार हमको फिर आप ले चलो, तो वो यानी उसी तरह से इच्छा प्रकट कर देते हैं।
और इच्छा जब प्रकट कर देते हैं तो वहाँ से निकाल करके छुड़ा करके यानी उनसे समझा करके और फिर निकाल जाते हैं। सेवा कहते खूब करो, लड़की अगर समझ लो रिएक्शन में आ जाए यानी सेवा में कभी कर दे तो यानी ससुराल वाले जल्दी भेजने वाले नहीं हैं, लेकिन सबको खुश कर देती है यानी जो मालिक होता है घर का उसको ज़्यादा खुश करती है, तो कह देते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ जाओ ले जाओ चले जाओ चली जाए घूम जाओ। ऐसे ही संतों का काम होता है, आते हैं युवों को समझाते हैं बताते हैं पीहर याद दिलाते हैं तो उनके कष्टों को दूर यानी समझ लो कि यानी करने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर यानी जीवात्माओं को यानी समझ लो कि वहाँ पहुँचा दिया करते हैं। खिजर का मतलब यही होता है रास्ता बताने वाला, चाहे लोग का रास्ता खान पान सही करके और समझ लो विचार भावना सही करके शरीर को स्वस्थ रखने का हो या मन प्रसन्न करने का हो या रुपया पैसा में बरकत दिलाने का हो, यह भी रास्ता बताते हैं। पूरे माहिर होते हैं, हर चीज़ की जानकारी होती है तो वो सब बताते हैं और सूरत को अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंचाने का भी रास्ता बताते हैं। तो पूछा उसने कि अरे कौन, बोला खिजेर, तो बोले यहाँ क्यों घूम रहे हो, बोला ऊँट खोज रहा हूँ। ऊँट शाही महल पर बादशाह के छत पर, और ऊँट यहाँ ऊँट कैसे आएगा, ऊँट तुम कैसे खोज रहे हो। तब वो बोला कि जैसे तुम बादशाहियत के नशे में ऐश और आराम में खुदा को खोज रहे हो ऐसे मैं ऊँट खोज रहा हूँ। तो अब आगे समझो कि सुबह एक उसको खुराक मिला, एक बात की जानकारी हुई कि यह मेरा महल नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं है, एक दिन छूट जाएगी, जैसे मेरे पिता की छूट गई, दादा की छूट गई, उसी तरह से अरे मेरी भी छूट जाएगी, इसलिए मालिक का इबादत करना चाहिए, भजन पूजन करना चाहिए। फिर दूसरा खुराक दिया कि बादशाहियत के नशे में यानी समझ लो कि ऐश आराम में खुदा नहीं मिल सकता है, कहा गया ना तन को जारो मन को मारो और इंद्रिय सुख भोग बिसारो, थोड़ा सा त्याग करो, प्रबल इच्छा रहेगी, लोभ रहेगा, लालच रहेगी तो आयन समझ लो कि वो मालिक मिलने वाला नहीं है। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, मिलेगा, तड़प पैदा होगी तो कहा हंसियत कंठ न पाया और जिन पाया तिन रोए, आने समझ लो हंसे खेले जो प्यू मिले तो कौन दुहागिन हो। तो आप समझो थोड़ी सी भी तड़प पैदा हो तो दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, और दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा तो दुनिया की चीज़ों के लिए जो ये हविश बढ़ी हुई है, मेहनत जो दिन रात हो रही है, हविश भी खत्म होगी और समझ लो कि इतनी मेहनत भी नहीं होगी। अब आप ये समझो कि खाने पहनने के चक्कर में ही, सोने के ही चक्कर में ही लोग लगे हुए हैं। यहाँ तो आप बहुत से लोग सुन रहे हो और सुन रहे हो और ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो कि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद खुश ही लोग बातों को पकड़ेंगे, खुश ही पकड़ते हैं, बाकी उसी में लग जाते हैं, उसी रवैये में लग जाते हैं। लेकिन जब बातों की चोट पड़ती रहती है, सत्संग मिलता रहता है, तब अनबदलाव आता है। तो वो बादशाह जब ये सोचा कि भाई बादशाहियत के नशे में खुदा मिलने वाला नहीं, छोड़ दिया राजपाट, अब खोजने लगा कहाँ जाएं, पता लगाते लगाते कबीर साहब के यहाँ गया। कबीर साहब के यहाँ जब गया तो आदमी आने समझ लो कि जब दृढ़ता से ये सोच लेता है कि हमको ये करने करना है तो शुरुआत में तकलीफ आती है। वहाँ उनके यहाँ गया तो वही आने ताना बाना जो वो कपड़ा
ढूंढते थे बुनते थे, काशी में वही वो भी करने लगा और मोटी रोटी खाने लग गया। और वहाँ जब बहुत दिन तक रहा और उन्होंने दया की बख्शीश की तो वही फकीर हो गए। इब्राहिम अदम वही इतना ताकतवर हो गया कि आने समय लोग की यानी बहुत बड़ा फकीर हुआ। ताकत आ गई उसकी आत्मा में, मैल वो हट गई। अरे आप समझो कि सोने के ऊपर मैल लगी रहे, गंदगी लगी रहे तो उसकी कोई कीमत रहेगी? खीरा के ऊपर गोबर लगा दो, मिट्टी लगा दो तो उसकी कोई कीमत रहेगी? मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये हीरा है, ऐसे हर हीरा है। अरे ये जो जीवात्मा है ये तो परमात्मा की अंश है। जो परमात्मा इस दुनिया को बना सकता है, रचना कर सकता है, देवी देवताओं को बना सकता है, ऐसे जीवात्मा भी बना सकती है। तो अब आप इस बात को समझो कि ज्ञान जब हो जाता है और ये सोच लेता आदमी कि ये सपनवत है, दुनिया सपनवत है, और आप समझ लो कि ये चीज़ें जो हमको मिली हैं प्रयोग करने के लिए, इसको हमको आने समझ लो कि आदत में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। आदमी ये सोचे कि भाई शरीर को खाने के लिए चलाना है, आए शरीर को आए खाने के लिए चलाना है, कोई ये सोचे कि खा करके शरीर को चलाना है, तो दोनों में समझ लो कि अंतर है। एक महात्मा जी जा रहे थे, तो महात्मा पहले चलते रहते थे, रमता जोगी बहता पानी, उनमें दोष नहीं आता है। पानी जब इकट्ठा हो जाता है तब गंदगी आती है, बदबू आती है। अच्छा साधु जब एक जगह पर रुक जाते हैं तब उनके लिए खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि मन कब कहाँ फिसल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे चिकने घड़े के ऊपर बूंद गिर गई, अब जब तक रुकी है कब वो नीचे गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए चलते रहना चाहिए। चलते रहते थे तो उस समय पर कोई किसी के यहाँ पहुँच जाए तो आदर सत्कार करता था, सम्मान करता था, मेहमान मान करके, बल्कि मेहमान नहीं भगवान मान करके रोटी खिलाता, रहने की जगह देता, प्रेम से बोलता, श्रद्धा से आने उनको रखता। और महात्माओं की तो कीमत थी, संतों की तो कीमत थी। ऐसे कोई संत नहीं हो जाता था कि दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया। कहते ना, नारी मुई घर सत्यानाशी और दाढ़ी बढ़ा के भय सन्यासी। ऐसे दाढ़ी बाल नहीं बढ़ा लेते थे, कपड़ा बढ़ा लेते थे और सन्यासी हो जाते थे। कुछ अर्जित कर लेते थे, कुछ शक्ति ताकत बटन में जब आ जाती थी, आत्मा में शक्ति आ जाती थी, तब अन्य समय लोग की ये काम करते थे कि जैसे जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब मास्टर बनते हैं। ऐसे नहीं मास्टर बन जाते थे कि अन्य समय लोग अनजान विद्या और प्राण घातक काम नहीं करते थे। तो वो घूमते रहते चलते रहते तो महात्माओं का बहुत ज़्यादा सम्मान लोग करते थे। कहीं भी पहुँच जाए तो खाने के रहने की दिक्कत नहीं रहती थी, चलते रहते थे। तो एक दिन ऐसे जा रहे थे, शाम होने का समय हो गया, बोले कहाँ रुकेंगे, गांव तो कहीं मिला नहीं। दूर से ही राजा का महल दिखाई पड़ा, बोले राजा का महल लग रहा है, तो आबादी वहाँ होगी, प्रजा होगी जरूर, क्योंकि राजा लोग प्रजा का यानी समझ लो कि वहाँ पर यानी बसाव रखते थे। हर तरह के यानी राजाओं के वहाँ यानी हर जाति के लोग होते थे, नाई को रखते, धोबी को रखते, सूपर को रखते, पंडित को रखते, क्षत्रियों को रखते थे रक्षा के लिए, अलग अलग काम था। यह वर्ण व्यवस्था जब बनी तो अलग अलग काम इनको दिया गया। ब्रह्म जानाश ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता था ब्राह्मण कहलाता था। क्षत्रिय क्या करते थे, रक्षा करते थे, उनका काम रक्षा करने का था। वैश्यों का काम क्या था, कमा करके प्रजा को देना खिलाना, उनका ये काम था। सामानों की आपूर्ति करना ये काम था। और इसी तरह से जो है और ये जो छोटी जातियाँ जिनको बनाएंगी उनका अलग अलग काम था। कोई कपड़ा धोता था, कोई बाल काटता था, कोई और सर सफाई करता था। तो ये वर्ण व्यवस्था उस समय पर जब बनाई गई थी अलग अलग काम था। अब आज की तरह से तो था नहीं कि कोई कोई भी काम कर ले,
वो उसी तरह का काम करते थे। तो वो इकट्ठा आए समय लोग ही रखते थे, प्रजा कुछ राजा के महल के पास रहती थी। तो महात्मा ने सोचा कि चलेंगे और फिर जो है वहीं रह जाएंगे किसी के यहाँ। लेकिन देखने में तो महल नज़दीक था, दूरी ज़्यादा थी, समय लग गया। समय लग गया जब वहाँ पहुँचने में, तब तक वो किला का गेट बंद हो गया। किला के अंदर तो थी आबादी, लेकिन किला बाहर से था, उसका गेट बंद कर दिया जाता था समय से। महात्मा बोले क्या करना चाहिए। तो वहीं पर एक भड़भूत की झोपड़ी थी, ये जो आए समय लोग चना चावल ये सब भून करके खाते हैं, तो वही बाहर था। वो बंद करके और वो चला गया था। जब शाम हो गई थी तब कुआं था, वहाँ लोग आते थे और बुना हुआ चना चावल ये सब खाते थे। और उसके बाद में आए वहीं कुएं से पानी निकाला और फिर उसके बाद में पिए और फिर अपने चले जाते थे। तो जब ये वहाँ पहुँचे आए समय लोग महात्मा जी, तो अब बोले भाई यहीं रुकना ही पड़ेगा। तो उसी झोंपड़ी में बैठ, पहले तो बाहर बैठे थे, फिर जब थोड़ी ठंडी लगी तो उसी झोंपड़ी में अंदर बैठ गए। आए समय लोग के वहाँ जाए यहाँ भाड़ था, तो भूख तो लगती ही लगती है, सबको लगती है। पेट अगर न हो तो आदमी का आए सारा काम खत्म हो जाए। पेट ही तो है, इसी की वजह से आदमी दिन रात चरखे की तरह चलता रहता है। तो जब भूख लगी तो वहीं जो चना और जो चावल वगैरह आने भूनते समय जो बाहर निकल गया था, बाहर के ऊपर पड़ा हुआ था, उसी को उठा उठा करके खाए और कुएं से पानी आए समय लोग निकाल करके पिए और फिर वहीं पर अपना समय लोग के ध्यान भजन में लग गए, मालिक के याद में लग गए। तो मौसम का असर तो सबके ऊपर पड़ता है। अब ये जरूर है कि जैसे आने अभी तक ठंडी हवा जब चलेगी तो अरे बुढ़े को खांसी खोदा हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। लोग बहुत से ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, अभी तो हमारी जवानी है, खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता। जवान आदमी तो 4 घंटा 6 घंटा बैठ भी सकता है, बुढ़े के लिए तो 1 घंटा मुश्किल हो जाता है। तो आप समझो कि अन्य इंद्रियां उस समय पर अन्य समय लोग की शिथिल हो जाती हैं। तो ज़रूरत पड़ती है, सबको पड़ती है, पेट को अन्य समय लोग की भरने के लिए ज़रूरत पड़ती, कुछ ही डाल दिया जाए। तो उन्होंने अन्य समय लोग को उसमें डाला और फिर असर ठंडी का भी हुआ। जैसा जवान आदमी को ठंडी कम लगती है, बुढ़े को शरीर कमज़ोर हो जाता है, अग्नि कमज़ोर हो जाती है शरीर की, तो समय लोग की ठंडी ज़्यादा लगती है। छोटा बच्चा है तो उसको ठंडी ज़्यादा लगती है, उसका जो है पसली चलने लगता है, तरह तरह की बीमारी हो जाती है। और एक जो जवान आदमी मजबूत आदमी है, कसरती है, उसको कम लगती है। ऐसे ही असर कम ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन असर सबके ऊपर शरीर के आता है। तो जब ठंडी लगी तो बोले क्या करें, तो ऐसे थोड़ा देखे कि राख गर्म है, बस उसी में गए, उसी राख के ऊपर अंदर लेट गए। सुबह जब हुई तो राजा घूमने के लिए आता था, किले का दरवाज़ा खुला और राजा आया। तो रात को आ गई थी आंधी और थोड़ी बूंदाबांदी हुई बरसात की, तो यानी समझो पट्टियाँ पड़ी थी और सब व्यवस्था थी। तो उस समय तो मकान लोगों के पास इतने थे ही नहीं कि एक एक आदमी के 4-4, 6-6 फ्लैट, यानी एक एक लड़के के पास 4-4 कमरा, ऐसा तो था नहीं। आप समझो कि एक ही घर छोटा सा, उसमें कई लोग रहते थे, तो बहुत से लोग तो दरवाजे के बाहर ही सोते थे, घर के बाहर। अब आंधी आ जाती, पानी आ जाता तो फिर वो भागते थे, तो समझ लो कि नींद हराम होती थी। तो उस समय जब तकलीफ होती थी, तो सुबह कहते थे हमको नींद नहीं आई, बाहर तो बड़े आराम से सो रहे थे, जैसे पानी आया तैसे घर में आए, तैसे मच्छरों ने हमला शुरू कर दिया, ऐसा बात लोग करते थे उठ करके सुबह। तो राजा जब पहुंचा तो उसके साथ के जो लोग थे उनसे कहा, कहो भाई रात कैसे बीती। तो इधर उधर कोई बोला नहीं, कुछ देखे तो फिर बोले
अरे बताओ रात कैसे बीती? तो महात्मा जी अंदर से बोले, तो तुम्हारी जैसी को तुमसे अच्छी। राजा ने कहा, कौन बोला? जो तो हमारे साथ हैं उनमें से किसी की आवाज तो है नहीं। फिर बोले, भाई रात कैसे बीती? अरे बोले, कोई तुम्हारी जैसी को तुमसे अच्छी। राजा तो तुरंत लौट गया। क्या मालूम दुश्मन का हमला शुरू हो जाने वाला हो और दुश्मन के लोग यहाँ पर आए, दुश्मन लोग यहाँ बैठ गए हो, आ गए। तुरंत लौटा, लेकिन सिपाहियों से कहा, पता लगाओ आवाज कहाँ से आई, कौन बोला, और उसको पकड़ करके ले आओ मेरे पास। तो सिपाहियों ने आने खोजना शुरू किया, तो वहाँ और कोई तो किसी तरफ दिखाई नहीं पड़ा। और जब आने समय लो अंदर देखा, ओ महात्मा जी आराम से लेटे हुए हैं उसी भाड़ में, अंदर राख में। तो बोले कि आपने अभी आने राजा का जवाब दिया? बोले मैंने दिया, किसी ने नहीं दिया तो मैंने दिया। तो कहा, तो निकलो चलो राजा के पास चलो। अरे बोले, तो कौन सी गलती किया मैंने कि जिसके लिए राजा के पास ले जा रहे हो? उस समय पर लोग यानी जब कोई गलती करते थे तब यानी राजा के पास जाते थे, या नालिश करने का होता था, यानी किसी को शिकायत करने का होता था, तब यानी समय लोग राजा के पास जाते थे। बोले, राजा से हमको कोई शिकायत नहीं करनी और हमने कोई गलती नहीं किया, तो अब क्यों जा? बोले, नहीं चलना पड़ेगा, राजा ने कहा है कि लेके आओ। तो बोले, चलो हम तो कानून का नियम का आने समय लोग पालन करते हैं, राजा का सम्मान करते हैं, राजा का स्थान यानी ऊंचा होता है। देखो कहा गया कि पाप करोगे तो नर्क जाओगे और नर्कों में सजा भोगनी पड़ेगी, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, गलाए तपाए जाओगे, और पूरी करोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ में जाओगे। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर भी तो लोक हैं, ब्रह्मलोक, पारब्रह्म काल, महाकाल, बहुत से लोक हैं, उनमें नहीं जा सकते, क्योंकि ये शरीर से जब आने समय लोग की ये जीवात्मा निकलती है तो 17 तत्वों के लिए शरीर में जाती है, आने से दसों इंद्रिया, चतुर्थ अंतःकरण और तीन गुण। आने समय लोग की आप समझो कि 17 तत्वों का यानी यह मनुष्य शरीर आने समय लोग जब छोड़ती है जीवात्मा, तब 17 तत्वों के लिंग शरीर में जाती है। इस शरीर का भोजन क्या है? धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, मेवा, मिष्ठान, आने समय लोग इस शरीर का भोजन है। और जीवात्मा का आने भोजन क्या है? जीवात्मा का आने समय लोग की जब 17 तत्वों के लिंग शरीर में जाती है, इस शरीर से निकल करके, तब आने समय लोग की लिंग शरीर में जब ये रहती है, वहाँ पहुँचती है, तब इसका भोजन क्या हो जाता है? आने समय लोग की सुगंधी, खुशबू। इसीलिए तो देवताओं की मूर्तियाँ लोग बनाते हैं और उनके सामने फूल यानी खुशबूदार और खुशबूदार मिठाई और खुशबू वाली चीज़ें लाकर रखते हैं। जौ, तिल, घे, मेवा आने समय लोग की आग में डालते हैं, वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाते हैं। तो अब तो वेद मंत्र मालूम ही नहीं, वेद मंत्र मालूम ही नहीं, यही लोगों को नहीं मालूम है। बड़े बड़े विद्वानों पुजारियों पूछो वेद कितने होते हैं, तो वेद का नाम ही नहीं बता पाएंगे। अब तो क्या करते हैं, मंत्र के द्वारा उसमें डालने के बजाय रामाय नमः स्वाहा, शिवाय नमः स्वाहा, गणेशाय नमः स्वाहा, पूरब नमः स्वाहा, पश्चिम नमः स्वाहा, सब स्वाहा ही कर देते हैं, तो वो स्वाहा ही हो जाता है। देवता आते नहीं हैं, देवता खाते नहीं हैं, तब उनको कौन खाता है? 17 तत्वों का लिंग शरीर वाले प्रेत खाते हैं, उनका भी सुगंधी ही आहार है और देवताओं का भी सुगंधी ही आहार है। अब देवता नहीं मिलते, प्रेत खाते हैं और ताकतवर हो जाते हैं, तो सिर पर सवार हो जाते हैं, और जिस दिन नहीं मिलता है, कोई कमी रहती है, तो कूदते हैं, मटर बाहू में, भवानी हूँ मैं, कौड़ी हूँ मैं, काली हूँ, मुझे खिलाओ, मुझे नहीं मिला। तो इनका जो भोजन होता है किसका? 17 तत्वों के लिंग शरीर का आने वो देवताओं का होता है। और आगे जब ये बढ़ती है, 4 शरीर में ये बंद है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का होता है
यानी रूप रस स्पर्श गंध यानी और शब्द ये पांच और ये चारों अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो अब आप ये समझो उसका भोजन क्या होता है। सूक्ष्म शरीर का यानी भोजन होता है यानी प्रकाश नूर जिसको कहते हैं वो आहार करती है। यानी वहाँ के लोग जो हैं वो तो यहाँ का ये देश तो यानी देखो छोटा है, इससे बड़े बड़े देश दुनिया में है। और समझो कि आप इस पूरे दुनिया धरती के यानी जितने भी जीव हैं उनके कई गुना ज़्यादा जीव उन लोकों में ऊपरी लोकों में भरे पड़े हैं। वहाँ भी इसी तरह की सृष्टि है। जैसे आप यहाँ खाते हो ऐसे वो भी खाते हैं, जैसे आप यहाँ भोग करते हो ऐसे वहाँ उनका भी भोग होता है। यानी समझ लो कि देवताओं का जो भोग होता है वो दृष्टि भोग होता है, दृष्टि से ही भोग करते हैं। और फिर आप समझो कि उधर यानी शब्द जब होता है तो उधर भी समझ लो कि शब्द का आहार होता है। शब्द आहार होता है पांच तत्वों के लिंग शरीर, पांच तत्वों के कारण शरीर में, जैसे जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का ये निर्मित शरीर है, ऐसे ही वो शरीर रूप रस स्पर्श गंध और शब्द का होता है। तो वहाँ पर जो भोजन है वो शब्द का है यानी आवाज का है। तो अब आप ये समझो कि देवता जो 17 तत्वों के लिंग शरीर में होते हैं उनके अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जा सकें। तब जब उनका समय पूरा होता है तो कहाँ बुलाए जाते हैं, इसी मृत्यु लोक में। कहाँ जन्म लेते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ, शेर साहूकारों के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी बना दिए जाते हैं, आश्रमों के महंत बना दिए जाते हैं। और भजन तो करते नहीं, गृहस्थों के टुकड़े खाते हैं दिए हुए। और गृहस्थ लोग क्या देते हैं, कोढ़ देते हैं, बीमारी देते हैं, अपहरण बलात्कार जो हो जाता है, कहते गलती बन गई चलो कुछ दे आवें, 2 किलो घी दे आवें, 4 किलो चीनी दे आवें, 1 बोरा चावल दे आवें, यही सब आश्रमों पर मठों में जाता है। तो वो जो चढ़ावा आता है संकल्पित उसको खाते हैं। इसीलिए बहुत से सत्संगी ये सोच करके ही रखते हैं कि ऐसी वैसी जगह पर सब जगह पर यानी जहाँ भंडारा भी होता है वहाँ पर यानी दिया हुआ वहाँ भी नहीं खाएंगे, अपना ही खाएंगे। और ये जो संकल्पित होता है यानी जैसे तरह ही खिलाते हैं, और जैसे ये तो सत्संगियों को खाने नहीं चाहिए, मृत्यु भोज भी नहीं खाना चाहिए, यानी मृत्यु हो जाती है भोज कराते खिलाते उसको भी नहीं खाना चाहिए। तो अब आप ये समझो कि गृहस्थों का अन्न खाते हैं तो गृहस्थों के टुकड़े और नव नव अंगुल के दांत, भजन करे सुबह बरे नहीं तो फाड़े हाथ। तो राजा महाराजा कहाँ की आत्माएं होती है, राजा महाराजा की आत्मा ऊपरी लोक की होती है, स्वर्ग और वैकुंठ की होती है। तो सम्मानित जगह मिलता है, तो सम्मानित जगह जब रहती है तो सम्मान किया ही जाता है। महात्मा तो ऐसे पूरे होते हैं, संत तो पूरी ताकत वाले होते हैं, वो तो कितने राजा महाराजा को आशीर्वाद दे करके साधारण आदमी को राजा महाराजा बना देते हैं, लेकिन मर्यादा में रहते हैं। संत जब इस धरती पर आने लगते हैं, सतपुरुष उनको जब इधर भेजते हैं तो ये जिनका देश है जिनको काल भगवान कहा गया वो प्रार्थना करते हैं कि आप मत जाइए, आप वहाँ जाओगे आपको तकलीफ होगी, मेरा अन्न खाओगे, मेरी धरती पर रहोगे, गर्मी ठंडी आपको शरीर से बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरे नियम का पालन करना पड़ेगा, आप मत जाइए। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझको तो जाने ही जाना है, जीवों को उबारने के लिए निकालने के लिए कीचड़ में हमको पैर रखना ही है, कि जिस तरह से बच्चा कीचड़ में गिर जाए, टट्टी के गड्ढे में गिर जाए तो बाप उसमें घुस करके उसको निकालता है, धोता है, साफ करता है, अच्छा कपड़ा पहना करके फिर अपने पास रखता है। ऐसे ही अन्य संत जाते हैं उन्हीं के बीच में, इन्हीं के बीच में, जीवों के बीच में अन्य रह करके उसी जैसा बोली वाणी आचरण करके, उसी जैसा बहुत कुछ नहीं भी करना चाहते हैं लेकिन उन्हीं जैसा करते हैं। ये कपड़ा लगता है ये सब किसी को कुछ भाता है,
होश नहीं, जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, यानी जो यानी हमेशा लीन रहते हैं उसी मालिक में, उनको ये नहीं पता रहता है कि मैं क्या पहने हूँ और क्या मैं खा रहा हूँ। वो तो शरीर को चलाने के लिए खाते हैं, तो न इच्छा रखते हुए भी यानी रोटी खा लेते हैं और दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, उसी तरह पानी पी लेते हैं कि इसको भी विश्वास हो जाए कि यह भूत नहीं है, ये आदमी ही है। और जब उस तरह का उपदेश करते और समझाते हैं तो आने समझ लो कि मन यह ढीला पड़ता है और आत्मा को खुराक मिल जाती है। हर आत्मा जो है याद करने लग जाती है अपने घर को, पीहर को, और धीरे से जो गंदगी है साफ करके, मान लो जैसे मैंने अभी बताया था कि वो मैले कुचैले कपड़े में ही आने लड़की रहती हो, तो उस समय पर उसको कहेंगे कि साफ कपड़ा पहन ले, नहा धो ले और चल चलते हैं। अब वहाँ कोई कहीं जाता है रिश्तेदारी में या इस तरह से, तो साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, ऐसे ही सफाई कराते हैं, यहाँ सफाई करवाते हैं कर्मों की, शरीर से सेवा करवा करके, भजन करवा करके, जब जीवात्मा निकलने लगती है ऊपरी लोकों में जब जाने लगती है, तो धीरे 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 साफ होती जाती है। मानसरोवर में जब स्नान करती है तो वे बिल्कुल साफ हो जाती है, तो ये शब्द को पकड़ करके शब्दमय हो जाती है, और फिर ऊपर कोई गंदगी सतलोक में है ही नहीं, सारी गंदगी खत्म हो जाती है। तो अब आप ये समझो कि राजा का स्थान ऊंचा होता है, तो सम्मान के स्थान पर जब उनको बैठाया जाता है तो महात्मा तो पूरे होते हैं, लेकिन चूंकि जनता का काम करना होता है, लोगों का काम करना होता है, तो राजा अगर बन करके वो बैठ जाए तो प्रजा उनके नजदीक जाने नहीं पाएगी। अभी यह सिद्ध हो जाए कि महात्मा बड़े सिद्ध हैं तो आप समझो आप यहाँ आ नहीं पाओगे। गुरु महाराज को यही सिद्ध कर दिया गया होता, चार छह देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मान्यता दे देते कि यह भगवान है, तो आप उनके नजदीक जाने पाते। और कितने देश हैं पूरे संसार में, कभी कोई राष्ट्रपति आ रहा, कभी कोई प्रधानमंत्री आ रहा, कभी कोई पहलवान आ रहा है, तो कभी कोई क्रिकेटर आ रहा है, तो कोई फिल्मी दुनिया कलाकार आ रहा है, तो अभी उन्हीं से फुर्सत नहीं। आपको तो ये जिनकी ड्यूटी होती है उनकी रक्षा करना, वो आपको उनके नजदीक जाने नहीं देते, जाने नहीं देते गुरु महाराज के नजदीक। तो वो क्या करते हैं, अपनी ताकत को अपनी शक्ति को छिपाए रहते हैं, और यानी जनता का काम करना रहता है, लोगों के बीच में उठना बैठना जा करके समझाना बताना रहता है, तो ताकत को समेटे रहते हैं, तो सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो राजा का सम्मान किया उन्होंने, महात्मा ने, और बोले चलो। तो जब राज दरबार में सिपाही लोग ले गए तो देखा कालिख लगी हुई, राख लगी हुई बदन में, देखा कहा अच्छा आपने जवाब दिया था, सम्मान किया, बैठाया, लेकिन प्रश्न जो उनका था उसको हल तो उनको करना ही करना था, तो आदर के साथ पूछा कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। बोले किसी ने नहीं दिया तो मैंने दिया, अरे किसी को नहीं मालूम तो हमारा काम तो उपदेश करना बताना ही है, तो हम नहीं बताएंगे तो कैसे आपको पता चलेगा। तो बोले बताया तो आपने, लेकिन किस तरह से आपने इसका जवाब दिया, कि कुछ तुमसे अच्छी और कुछ तुम्हारे जैसी रात बीती, तो मैं तो बढ़िया माल खाया, 36 प्रकार का भोजन की थाली, आने समझ लो हमारे भोजन की थाली हमारे सामने आई, और तुम क्या खाए। बोला हमने तो चना खाया, भुना हुआ, पानी पिया, कहाँ पानी पिया, कुएं का पानी पिया। राजा ने कहा मैंने तो बढ़िया ठंडा पानी बर्फ का पिया, और आप कहाँ सोए। बोला मैं तो बाहर के अंदर सोया। तो कहा कि मैं तो मखमल के गद्दे पर सोया, 40 मन के फूल से सजे हुए गद्दे पर यानी बिस्तर पर सोया, मैं सहन किया मैंने। तो कैसे यानी तुम्हारी अच्छी बीती और कैसे हमारी खराब बीती, और कैसे हमारे जैसे तुम्हारी बीती रात, और किस तरह से, तो आप बताओ। तब
महात्मा जी ने कहा, राजन आपने जो खाया इस समय उसका स्वाद आप बता सकते हो? बोले नहीं। तो कहे कि खाने के बाद आपको कुछ नहीं पता कि क्या मैंने खाया, कैसा स्वाद रहा, वो तो उसी समय तक आपको स्वाद मिला और मुझे भी नहीं पता चला। और आप तो बहुत खुशबूदार भोजन खाए होगे, सुगंधित। बोले हाँ। तो बोले जो आपका मल निकला उसमें वो सुगंध थी? बोले नहीं थी, वो भी दुर्गंध वाली थी। महात्मा ने कहा मेरी भी दुर्गंध वाली मल था जो निकला। अरे समझ लो, टट्टी तो सबका एक ही जैसा निकलता है, किसी की टट्टी में खुशबू होती कि राजा की टट्टी है या प्रजा की है। और बोले राजन सोने के बाद आपको भी नहीं पता चला कि हम कहाँ सोए हैं, और सुबह जब उठे तरोताजा आप महसूस किए, जिस तरह से हम भी तरोताजा महसूस किए। नींद जब पूरी हो जाती है तो ताजगी आ जाती है, इसीलिए कहते हैं आराम करना चाहिए। प्रकृति ने इसीलिए रात बनाया है कि दिन में अपना काम करो, रात को आराम कर लो। दिन और रात एक कर दिया जाए तो आदमी अभी चलते चलते हाविस इतनी बढ़ गई इस समय कि पागल हो जाएगा। तो बोले कि सोने के बाद ना आपको पता लगा ना पता हमको चला। तो हमारी और आपकी रात एक जैसी बीती, और आपसे अच्छी बीती। बोले अच्छी कैसे बीती? बोले राजा चार बजे तुम भी उठ गए, चार बजे हम भी उठ गए। चार बजे तीन बजे पहले लोग उठ जाते थे, अब तो दो बजे ढाई बजे डेढ़ बजे रात को सोते हैं, लेकिन उस समय समय से सो जाते थे, समय से भोजन करते थे। सबसे बढ़िया समय क्या होता है? यही शाम को सात से आठ साढ़े आठ बजे तक का, और दिन में ग्यारह बजे से बारह साढ़े बारह बजे तक का सबसे बढ़िया अन्य समय यही होता है। यही अन्य इससे पहले के प्रातःकाल की बेला होती है, और समय लो उसके बाद दोपहर का होता है, और फिर शाम का समय होता है। इसीलिए ये जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं इनका गुण अलग बताया गया। जैसे कहा सुबह मूली मूल है, कितनी भी गैस की बीमारी हो और थोड़ा सा मूली का टुकड़ा तोड़ो और उसको खा लो, लेकिन पत्ता जरूर खाना चाहिए। पेट में पड़ी हुई चीज़ को अन्य समय लो कि मूली हजम करती है। जैसे पपीता में बताया गया 250 गुना हजम करने की ताकत होती है, ऐसे मूली पेट में पड़ी हुई चीज को हजम करती है, लेकिन मूली स्वयं हजम नहीं होती। मूली खा लो तो उसका डकार आता रहेगा, और पत्ता खा लो तो पत्ता उसको हजम कर देता है। जैसे केला गरिष्ठ होता है, एक आध केला खाओगे ज़्यादा कब्ज होगा, ज़्यादा खाओगे पेट साफ करेगा, लेकिन देर में वो भी हजम होगा। अब इलायची खा लो हजम हो जाए, चावल ज़्यादा खा लिए हो तो नारियल का पानी पी लो, नारियल का टुकड़ा खा लो, चावल हजम हो जाएगा। बेर ज़्यादा खा लिए हो गन्ना चूस लो तो अन्य समय लो हजम हो जाएगा। तो ये चीज़ें प्रकृति ने बनाई, और भी जिसको कहते हैं ना हर बड़ी गरिष्ठ होती है। का मारा चाहो दुश्मन को बिना तीर बिन घाव, और उसको तुम बताइयो नहीं तो उठ गोया पूरी खाओ। गोया पूरी खिला दो या अरुई की सब्जी, हम पूरी 10 दिन खिला दो, संग्राणी हो जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। तो अब आप ये समझो, जैसे लोग ट्रक खरीदवा देते हैं, गरीब आदमी को ट्रैक्टर खरीदवा देते हैं, कर्जा लेकर के जमीन बिक जाती है, ऐसे ही दुश्मन ज्यादा करते हैं मीठे तरीके से। तो कहा गया ना तीर ना घाव के और मारना चाहो तो ये बता दो, लेकिन अगर आप अजवाइन डाल दो उसमें तो गरिष्ठता कम हो जाएगी। आप समझ लो कि उड़द की दाल गरिष्ठ होती है, लेकिन उसको हींग से बघाड़ दो आप तो गरिष्ठता कम हो जाती है। तो ताकतवर ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन समझ लो गरिष्ठ ज़्यादा होती हैं, देर में हजम होती हैं। अग्नि कमज़ोर हो जाती बुढ़ापे में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हजम करना, जवान तो तेज हो जाती है बुढ़ापे में। समझो हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, अग्नि कमज़ोर हो जाती है, लेकिन मन और जवान हो जाता है। अच्छा बढ़िया चटपटा खाने को मिलना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, पूरे बिरादरी का मुखिया मैं ही बन जाऊँ, ऐसा मन और जवान होता जाता। तो कहा गया मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। तो यह नियम बनाया उस समय पर कि सुबह मूली मूल है, सुबह खाओ,
और दोपहर मूली, मूली दोपहर में मूली के गुड़ उसमें होते हैं, और शाम को मूली सूली, शाम को नहीं खाना चाहिए। जैसे सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा, शाम को खीरा पीरा, शाम को बहुत ठंड करता, नुकसान करता, नहीं खाना चाहिए। तो समय के अनुसार यानी खाने से, समय के अनुसार सोने से, यानी समय के अनुसार चलने से आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन चित्त बुद्धि सही रहती है। सूरज निकलने से पहले देखो सब लोग उठ जाते थे, और जब उठते थे तो धरती माता को प्रणाम करते थे, गीता के श्लोक, रामायण की चौपाई, कुरान की आयतें पढ़ते थे, और फिर ऐसे शाम का रखा हुआ तांबे का पानी का घड़ा ऐसे उठाते, लोटा उठाते और ऐसे बैठ करके और पी करके शौच के लिए, टट्टी मैदान के लिए दूर जाते थे। तो उससे क्या होता था, उतनी देर के लिए मल यानी पानी में घुल करके एकदम से आंतों से अलग हो जाता था, और जब बैठते थे मल त्याग करने के लिए दांतों को दबाते, और जब मल बाहर हो जाता तो मुंह खोल देते, तो दांत वज्र के समान यानी मजबूत रहता था। 80 साल 90 साल तक का बुढ़ा चना दबा दबा के खाता था, यानी दांत गिरते ही नहीं थे। सुबह लोग उठते तो ऐसे थूक निकाल करके आंखों में लगा लेते हैं अपना ही थूक, तो रोशनी कमजोर होती ही नहीं थी। तो अब आप ये समझो कि नियम का लोग पालन करते थे, और आज के तरह से तो था कि 9 बजे उठते फिल्मी गाना गाते हुए, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े जाना, दौड़ना, इस तरह का दौड़ था नहीं। नियम के अनुसार सब चलते थे, नियम के अनुसार जब काम करते थे, पैदल जब लोग चलते थे तो ये जो यानी ये समझो कि मिट्टी धूल, ये जो मिट्टी और ये जो अत्तर पत्थर रोड़ी जो होती थी वो पूरा यानी तलवे का एक को प्रेशर कर देती थी। लोग यानी समझ लो कि भगवान के याद में ऐसा थाली बजा यानी ताली बजाते थे, तो ये यानी जो पॉइंट हैं यानी समझ लो हाथ के ये दब जाते थे, तो समझ लो एक को प्रेशर स्वतः हो जाता था। अब तो लोग पैसा देकर एक को प्रेशर कराते हैं, पॉइंट को दबवाते हैं, उस समय तो अपने आप ऐसे हो जाता था। तो अब आप समझो इस बात को कि 4 बजे तो उठ ही जाते थे सब लोग। तो महात्मा ने कहा कि राजन जब तू 4 बजे उठा तो तुझको राज की चिंता हो गई कि सुबह होते सवेरा होते ही हमको क्या क्या काम करना है, किस तरह से कहाँ आदेश करना है, कहाँ जाना है, कहाँ करना कराना है। और मैं जब उठा 4 बजे तो मालिक याद में बैठ गया, तो तेरे से मेरी रात इस तरह से अच्छी बीती, तू तो इसी मोह माया में और इसी दुनिया की चीज़ों में उलझ गया, और मैं इससे विरक्त होकर के और उस मालिक के याद में बैठा तो तेरे से रात मेरी अच्छी बीती। महात्मा ने कहा कि देखो राजन, चाह गई चिंता गई, और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। अब बोल राजा कि राजा मैं हूँ कि तुम हो, तुम्हारे अंदर तो सब वासनाएं भरी हुई, सारी इच्छा भरी हुई है, काम करोड़ लो मोह महा का भंडार भरा हुआ है, और मैं उससे विरक्त हूँ, राजा कौन है? तो राजा चरणों पर गिर पड़े और बोले असली राजा तो आप हो, असली तो आप हो। तो अब आप ये समझो कि खाने के चक्कर में, सोने के चक्कर में यानी इसी में लोग लगे हुए हैं, लेकिन यानी समझ लो कि असला सुख तो इसमें है ही नहीं। सुख तो कहाँ है, थोड़ा त्याग में है। आप देखो कि पूजा किसकी हुई, जिसने थोड़ा त्याग किया, किसी भोगी की पूजा यानी राजा की नहीं हुई, योगी की पूजा हुई, योगी को सम्मान मिला, योगी को शक्ति हासिल हुई। आप इतना सुनने के बाद तो आप कहोगे हम घोर छोड़ करके जंगल चले जाएंगे, कभी जाना मत, नहीं तो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि कोई नामदान ले ही नहीं सकता है। अगर ये हो जाए अभी कि बाबा लोगों का घर छुड़ा रहे हैं, और तो पुलिस वाले यहाँ आपको बैठने देंगे, परमिशन ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में ही रहना, और जो भी आपके पास है यानी समझ लो उसी को खा करके संतुष्ट रहना,
और समझ लो जो भी आपके पास है यानी कपड़ा, उसी को पहनना, दूसरे का छीन करके नहीं, दूसरे का छीन करके आप मत खाना। और समझ लो कि जो सुख सुविधा है उसी में आप संतोष करो और वजन में लगो, अशिला काम लगो, यानी ये जो स्वप्नवत है नकिला काम है, इसको धीरे 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 समझो कि यह नकिला है। अशिला काम क्या है? अशिला काम है भजन। आप भजन बहुत करो, मन न लगे तो सब आपका समय बेकार जाए। कहा ना, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, तो मन हुआ तो चौंतीस फिरे जा तो सुमरन है, सुमरन भजन और ये सब जो है वो बेकार जाता है। अगर मन न रुके तो आप समझो मन को साधना पड़ेगा। जैसे आप समझो खेत की जुताई के लिए यानी जो बछड़े होते हैं उनको आप ट्रेंड करते हो, काटते हो, साधते हो, ऐसे मन को साधना पड़ेगा। बैल बहुत तेज जब भगने लगते हैं जुताई के समय, बैलगाड़ी में जब बहुत भगने लगते हैं तो उनको रोकना पड़ता है, साधना पड़ता है। ऐसे ही मन को साधो, मन को साधना ही असली साधना है। साधना इसी का नाम है कि मन यानी समझ लो कि जब किसी तरफ दौड़े तब यानी समझ लो चित्त से चिंतन करो कि सही मन कह रहा है कि गलत कह रहा है, और फिर बुद्धि का प्रयोग करो कि इसका परिणाम क्या होगा, और तब फिर मन के कहे करो। अब अच्छे को बुरे का ज्ञान कब होता है? जब सत्संग मिलता है तो बराबर सत्संग सुनते रहो, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा। अच्छे बुरे का ज्ञान जब हो जाएगा तब आपको चित्त से चिंतन करने में, निर्णय लेने में आसानी रहेगी। इसीलिए कहा गया बराबर सत्संग में जाना चाहिए। पहले बराबर सत्संग में जाते थे लोग, देखो यह पुण्य और पाप यानी जो ये होता है, तो कहते हैं बहुत सी चीज़ों को बनाया इस तरह से, कहते हैं ये पाप है तो पाप से आदमी डरता है। ऐसे ही यानी ये नियम बना दिया गया कि भाई बराबर 15वें दिन महीने में एक बार संत के आश्रम पर जाने जाना चाहिए। कहा गया ना कि हो सके तो गुरु का दर्शन रोज करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, महीने में एक बार करो, तीन महीने छः महीने में एक बार करो। कबीर साहब ने कहा कि बरस दिना में दरस न कीना, और ताको लागे दोष, और कहा कबीर हुआ को कभी न होवे मोक्ष। कहते साल में एक बार तो जरूरी होता है। तो यह तो उस समय की बात है जब सवारी साधन की कमी थी और कर्म लोगों के अच्छे थे, ज़्यादा कर्म खराब नहीं होते थे, तो कर्मों की सफाई के लिए यह कहा गया था। सन्मुख हुए जीव वहीं जब वहीं जन्म को नाशतमी, जन्म यानी जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं जब संतों की दृष्टि से दृष्टि मिलती है और उनकी दया हो जाती है, उनकी दया ले ली जाती है, दया दी जाती है, दया ली जाती है। जैसे रुपया पैसा और धन दौलत ये किसी को खुश करके लिया जाता है, ऐसे संतों से दया ली जाती है उनको खुश करके। वो जो चाहते हैं वो उस तरह का कर दो तो खुश, बेटा बाप जैसा चाहता है वैसा करे तो बाप बेटे से खुश, और उसको जो वो चाहता है मांगता है उससे ज़्यादा दे देता है। 100 रुपया मांगता रहे तो 200 ले जा, अच्छा काम कर रहा है, मेरे बताए अनुसार कर रहा है। तो दया आने मिल जाने पर कर्म नष्ट होते हैं, दृष्टि से होते हैं कर्म नष्ट, स्पर्श से कर्म नष्ट होते हैं और वाणी से कर्म नष्ट होते हैं। वाणी जब पकड़ लेता है, बातों को पकड़ लेता है और वैसा करने लगता है, चलने लगता है, तो यानी जो जान अनजान में कर्म बने हैं वो खत्म होते हैं, उससे भी नहीं हो पाता। तो भजन के लिए कहते हैं भजन करो, भजन से कर्म नष्ट होंगे। भजन में मन नहीं लगता है तो प्रार्थना करो, प्रार्थना में भी मन नहीं लगता है बैठ के रो, और उसमें भी रोना भी नहीं आता, आंसू भी नहीं आती है, तो चले जाओ सत्संगियों के पास बैठो, गुरु की महिमा को सुनो, गुरु की बातों को सुनो, उनके पीछे के अनुभव को, भौतिक ही अनुभव को सुनो, और उसमें भी अगर न जमे तो निकल पड़ो, उठाओ झंडा और चलो प्रचार में, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाओ, जय गुरु नाम की धुनी जगह जगह बोलो, अकेले ही बोलते चल पड़ो। देखो कागज लिख लिख काया चलें, लिख चलें कपूर,
अली क्षार तीनों चले सायर सिंह सपूत, अकेला आदमी क्या नहीं कर सकता है अगर हिम्मत है तो। आप उस बात को समझो कि यानी हनुमान ये कभी नहीं सोचे कि हमको सेना लेकर के जाना है, यानी समझ लो अकेले हनुमान गए हिम्मत के साथ और लंका जला करके चले आए, अशोक वाटिका उखाड़ के फेंक करके चले आए। यानी समझ लो कि एक यानी समझ लो शिक्षा दे करके रावण को आ गए कि देखो हम में इतनी शक्ति है, हम ये काम कर सकते हैं, और हम जिनको मानते हैं आराध्य हमारे वो राम क्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए चेत जाओ। लेकिन कहा मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। वो जो मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे पर गलत नजर औरत पर डालता था, उसके कर्म इस तरह के थे कि उसके समझ में कुछ नहीं आता था। अरे समझ लो कि सोचता तो था, जानकार तो इतना था कि लक्षण वो देखता था कि अवतारिक शक्ति हो सकते हैं, ये इतने त्यागी कि गद्दी पर राज गद्दी पर ठोकर मार करके चले आए। पिता के आदेश का इन्होंने पालन किया, 14 वर्ष के जंगल क्या आदेश का पालन किया, तो ये शक्ति हो सकते हैं, औपचारिक शक्ति ये हो सकते हैं। जानकारी के हिसाब से ये चीज तो उसके दिल दिमाग में आती थी, लेकिन जैसे मांस खाता था, शराब पीता था, बस वो सोचने समझने की बुद्धि उसकी खत्म हो जाती थी। अब आप समझो परिणाम क्या हुआ। कहने का मतलब ये मत सोचो कि अकेले हम नहीं क्या कर सकते हैं, अकेले बहुत कुछ काम कर सकते हो। वीर अन्य समझ लो जो ये काम किए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अश्वा कुल्लाखा, राजेंद्र, हरि सुभाष और ये लोग जो काम इस देश के लिए किए, वो अन्य अकेले बहुत सा काम किया सुभाष जी ने। सुभाष जब देश आजाद नहीं हुआ था और खतरे में थी देश की आज़ादी, और वो असह जापान से अन्य भर करके आ रहे थे आए समय लोग के पानी वाले जहाज में, तो सुभाष को बड़ी चिंता हुई, अकेले पहुंचे गए वहाँ। कहाँ ये था, अब क्या करें, कहाँ करें, कैसे होगा, क्या होगा, गए वहाँ। कहाँ, विदेश में गए, और वो जो श्री भाषण दिया, कहा कोई नौजवान अगर मेरे देश के काम आ सके तो इस समय हमको जरूरत है उसकी, देश के देश को आज़ाद कराने के लिए। तो सुनते रहे लड़के, वहीं बैठे थे नौजवान, तो एक बोला का अपने देश के लिए तो सब काम आते हैं, सुभाष चल मैं तेरे देश के काम आऊँगा। तो बुलाया उसको, कहा तेरे घर में और कौन है, कहा केवल एक बूढ़ी माँ है और कोई नहीं है। तब सुभाष ने कहा फिर तू नहीं जा पाएगा, तेरी ममता माँ के लिए और माँ की ममता तेरे लिए इस काम में तुझको जाने नहीं देगी। तो उसने कहा संकल्प बनाता हूँ, माँ की ममता को छोड़ दूंगा, तेरे भारत माँ का काम आऊँगा, हजारों सपूतों, लाखों सपूतों का, आने समय लो लाखों पोतों का जान बचाऊँगा, आज़ाद करूँगा, मैं अपनी माँ के प्रति ममता को ख़त्म करता हूँ। तब उन्होंने कहा तेरी माँ की ममता तुझको नहीं जाने देगी। तो दुखी होकर के गया और माँ से कहा माँ अगर तू न होती तो मैं भारत देश के काम आ गया होता। तो लोग कहते हैं सती यहीं हुई थी, सावित्री यहीं हुई थी, झांसी की रानी यहीं हुई थी, लेकिन वो वीरंगना कम थी। उसने कहा उठाला तलवार, काट देती हूँ अपनी गर्दन, ले जाकर के सुभाष के सामने रख देना। और खुद गई उठाई तलवार, मार दिया, कहा ले जा रख देना, कह देना मेरी माँ नहीं रही, अब फिर देश के काम आ जाऊँगा। और उसने कटा हुआ सिर ला करके रख दिया सुभाष के सामने और कहा चल अब तेरे देश के काम आऊँगा। उसी के शरीर में बम बांध करके और चिमनी में सुभाष ने जब डाला और जब जहाज फटी, तब अंग्रेजों का कलेजा फटा और भगे, बोले अब ये सब कुछ कर सकते हैं, अब जान बचाओ और छोड़ो हिंदुस्तान को। तब ये देश आजाद हुआ था, तो हिम्मत क्या उन लोगों, बहुत सा इतिहास अन्य समझ लो इनका, वीरों का और इन लोगों का तो छिपा ही दिया लोगों ने अपने खानदान और अपने नाम के लिए, अन्य समझ लो कि ये उनको छिपा ही दिए जिन्होंने देश के लिए त्याग किया। कहते ना
शेर शिकार करता है और खाते कौन है, गीदड़। गीदड़ उसको खाते हैं, जंगल के छोटे छोटे जानवर खाते हैं। ऐसे ही शिकार तो कोर करता है और खाने वाले बहुत तैयार हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये मत सोचो कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो देश और दुनिया को बदल सकते हो। हिम्मत तो करो, आप किस तरह बदलना है। अरे कोई कपड़ा उतार करके या कोई दाढ़ी बाल बढ़ा के या मुड़वा करके अरे बदलना छोड़ो कि किसी को हिंदू से मुसलमान बना दो, मुसलमान से हिंदू बना दो, पंडित जी से हरिजन बना दो, इनको बना दो। अरे जो आपकी वर्ण व्यवस्था है हम उसको मिटाने के लिए नहीं कह रहे। हमारे यहाँ तो मानव है और मानवता है। जैसे उस मालिक ने मानव पैदा किया और जात पात आपने बनाया, धर्म आपने बनाया और कपड़ा लत्ता दाढ़ी बाल और भाषा ये आपने बनाया, विद्या आपने बनाया, उसकी तो केवल एक आध्यात्मिक विद्या है। आप समझो उसने हड्डी एक जैसी बनाई, मांस एक जैसा बनाया, खून एक जैसा बनाया और जल पृथ्वी अग्नि ये सब शरीर के पोषण के लिए एक जैसा बनाया। तो सबके अंदर, आपके अंदर मालिक की अंश जीवात्मा है। तो जब हम उसको देखते हैं, समझते हैं, तो हम अपने अंदर भेदभाव तो ला ही नहीं सकते, लाना भी नहीं चाहिए। अब यह समझो कि जो व्यवस्था बनी है हम उसको भी नहीं मिटाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप जहाँ रहते हो वहीं रहो, जहाँ रोटी पानी खाते हो वहीं खाओ, लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो, लेकिन समय से कर दो। समय से जब नहीं कर पाते हो तो ये लड़के लड़कियाँ आए समय लोग की खोरी है। आए जब जैसे किसी को भूख लगे और खाने को न मिले तो वो जाए चुरा करके खाए, ऐसे ये खोर अपना देखने लग जाते हैं। तो गुरु महाराज हमारे फोटो देखते थे, फोटो और देख करके बता देते थे, क्योंकि संत जो होते हैं जीवात्माओं को देखते हैं कि किसके साथ यानी किसका रिश्ता निभेगा। जैसे ये लोग देखते हैं तो कहते हैं चूहा और बिल्ली का योग है, ये कहते हैं कि बिल्ली और शनी बकरी और शेर का यानी शेरनी का योग है तो वो उसको खा जाएगा। देखते हैं ना जन कुंडली पटरी जिसको देखते हैं, ऐसे संत आत्माओं को देखते हैं कि किसके साथ किसका निभेगा। तो वो तो ऐसे ही देख के बता दें, लेकिन आदमी को विश्वास न हो। तकलीफ तो बहुत सी लोगों की गुरु महाराज के दर्शन करने से ही यानी खत्म हो जाती थी, लेकिन कोई दवा पूछता था तो विश्वास के लिए निमित्त मात्र के लिए बता देते थे। गुरु महाराज के पास मैं 1973 में गया तो गुरु महाराज के वहाँ पड़ा हुआ था मेथी, मेथी और उसके दाने नीचे पड़े थे। तो दो तीन लोग हमारे सामने आए, मैं तो नया था उस समय 73 में, तो उस समय दो तीन लोग आए तो सबको गुरु महाराज ने मेथी दे दिया। किसी को कहा कि तेल में इसको उबाल करके मालिश करना, किसी को कहा इसको थोड़ा मुँह में डाल करके और दूध पी के रात को सो जाना। तीन चार लोगों को वही मेथी उठा उठा करके दे दिया। तो हम तो नए थे, तो पुराने सत्संगी थे, तो हमने कहा मेथी ही सबको देते हैं। तो उसने कहा दो, ऐसे बोला अरे दो ये मेथी, ये कोई ये अमृत थोड़ा है, ये तो इनकी दया है, दया इनकी ठीक करेगी। तो निमित्त मात्र बोले, वो बोला तो बोले पुराने सत्संगी थे, बोले निमित्त मात्र इसमें ये दया दे रहे हैं, निमित्त मात्र ये दे रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि ऐसे ही अभी गुरु महाराज कुछ न कुछ दे देते और फोटो देख लेते थे, कहते थे कर दो कर दो, तो देख करके करते थे। लेकिन अब तो हम फोटो भी देखना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अपने मन से तैयारी करके आते, तो किसी की लड़के के बाप नहीं चाहते, तो लड़के के माँ नहीं चाहती, तो वो नहीं चाहता, ये नहीं चाहते, ये नहीं वो नहीं। अब मान लो कहीं कुछ कहते दोनों रोगी हैं या एक रोगी है एक गुस्सैल है, झगड़ा हो जाए तो ये कहेंगे कि आपके कहने से किया था। ये नहीं कहते हैं कि आपके कहने से किया, बहुत सुखी हैं, बच्चे कच्चे अच्छे हो गए और भाई नौकरी मिल गई और बड़ा सुखी हूँ भाई दया, ये कोई नहीं बोला। लेकिन ये शिकायत करने वाले का आई जाते इस तरह के, आपके कहने से शादी किया था निभ नहीं रही है। कोई कहता लड़का नहीं प्यार कर रहा लड़की को, कोई लड़की बड़ी बदतमीज निकल गई, कुछ ऐसा वैसा तमाम झंझट। तो मोटी 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 बातें आप उसको समझो कि देखो घर हम जमीन जायदाद नहीं छोड़ा रहे
और आपका जात धर्म किसी का नहीं बदल रही, आप जहाँ पर हो वहीं पर रहो। यहाँ तो हमारे पास आते हो तो यहाँ तो असलिया समाजवाद रहते ही है, यहाँ तो कोई किसी से नहीं पूछता है। लेकिन ये जरूर कहते हैं लड़का लड़की का शादी समय से कर दिया करो, समय से कर दिया करो, आप समय से सब काम कर लिया करो। तो देखो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, अब चार सत्संग तो आपको मिल गए, बहुत मिला, आप जितना मिला उतना अगर हजम कर ले जाओ और याद कर ले जाओ, और केवल अगर आप इसी बात को याद कर लो कि यहाँ से जाने के बाद हम सुमिरन ध्यान भजन रोज करेंगे और कराएंगे, तो इसी से आपका बहुत काम बन जाएगा। साप्ताहिक सत्संग में जाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, रोज का ध्यान भजन हम शाम को अन्य लोगों को बुला करके करेंगे और कराएंगे, एक जगह बैठ करके और बैठा करके नाम धुनी घर घर में हम चालू करा देंगे। यही अगर आपको इतना याद हो जाए तो इसी से आपका बहुत सा काम बन जाएगा। तो कुछ नए लोग आप आए हो, आपको नाम दान दूंगा, खाली नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि गुरु का हुक्म है कि नाम दान देना शुरू कर दो। अगर ये भजन करने लगेंगे और इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, तो मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है, कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। तो अनिल गुरु के आदेश का पालन किया जाएगा, आपको नाम दान दिया जाएगा। अब ये जरूर है कि दवा जब दी जाती है तो थोड़ा परहेज कराया जाता है कि जिससे दवा का असर ज़्यादा हो जाए और जल्दी से अन्य समय लोग की मर्ज ठीक हो जाए। तो जैसे शरीर रोगी हो जाता है, शरीर को कष्ट होता है, ऐसे ही जीवात्मा दुखी हो गई और उसके भी कष्ट को दूर करना जरूरी है। तो जीवात्मा का भोजन क्या है? शब्द है, शब्द जब इसको मिलेगा तब इसका कष्ट दूर होगा। अब परहेज जब करोगे तभी शब्द पकड़ में आएगा। तो परहेज क्या करना है? परहेज करना है मांस का, मछली का, अंडा, शराब का, इसका त्याग करना है। देखो ये क्या है, मानो है मंदिर, जैसे मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो और उसमें कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे तो कहोगे यहाँ पूजा नहीं करेंगे, यहाँ पूजा करेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, कबूल नहीं होगा। मस्जिद में कोई डाल दे तो कहेंगे इबादत कबूल नहीं होगी। गुरुद्वारा में कोई पाठ नहीं करेगा, गंदी चीज़ को डाल दोगे। ऐसे ही जब इस जगह को आप गंदा कर लोगे तो वो कहाँ से दिखाई पड़ेगा? कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए और ख्याल करो कहाँ हटाओ उसको बिठाने के लिए, हुजरा ही जब गंदा रहेगा तो कहाँ से बैठा दिखाई पड़ेगा। इसलिए इसकी सफाई मनुष्य मंदिर की जरूरी है, इसको साफ सुथरा पाक साफ रखना जरूरी है। इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालना, आप समझो अंडा मत डालना, मछली मत डालना। देखो मांस खाने से जैसा मैंने बताया ना, खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज आप डाल दो तालाब में मछली खा जाती है, टट्टे पेशाब खखार के थूक दो, आप समझो गाय बैल भैंस मुर्गा भैंसा सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाती है, बड़ी गंदी चीज है, मत खाना, मत खाना मछली। आप समझो अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है, मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीज़ों को, देखो नाली के किनारे या गंदगी जहाँ रहती है वहीं पर खाती है। बढ़िया चावल बासमती का पड़ा होगा, आप समझो बढ़िया मिठाई पड़ी होगी, उसको नहीं खाएगी, कीड़ों को ही पकड़ती है और कीड़े ही खाती है। और कीड़े क्या खाते हैं? उन गंदी चीज़ों को खाते हैं। और उसका समझ लो कि खराब खून इकट्ठा हुआ तब अंडा बनता है। तो अंडा मत खाना, कितना भी डॉक्टर तर तर करे, ना तो अंडा खाना ना बच्चों को खिलाना। ध्यान रखो, बच्चे बाजार की चीज़ों को जब खाने लगते हैं
तो बाजार की वो चीज़ें बच्चों की किडनी ही खा जा रही हैं, लीवर ही डैमेज कर दे रही हैं। इसलिए बाहर की चीज़ों को खाने से रोको, घर में बना करके खिला दो। आदत जब उनकी बन जाएगी घर में ही खाने की, तो भूखे स्कूल से चले आएंगे, घर में मांग के खाएंगे। और आदत बाहर खाने की जब बन जाएगी तो घर का कितना बढ़िया बढ़िया भोजन होगा नहीं खाएंगे, घर में खाने की आदत डाल। देख रेख रखो, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे, जिम्मेदारी बनती है। 7 साल के बच्चों तक की तो जिम्मेदारी माता पिता की बनती ही है। और अगर वो बच्चे छोटे पाप करते हैं तो उसके भागीदार माता और पिता होते हैं। उसके बाद जब उनको जानकारी देश दुनिया की हो जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, तब गलती उनको भोगना पड़ता है। और नहीं तो पाप लगता है माता पिता को, तो ये जिम्मेदारी बनती है। शराब में तो है 1000 बुराई, शराब में। अब जो राजस्थान के लोग इसमें हो गए, आपको मालूम होगा राजस्थान के लोग सब जगह मिलते हैं, कई देशों में मैं गया, सब जगह मिले। कहते ना, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी, तो मारवाड़ी सब जगह मिलते हैं। तो उधर मारवाड़ में राजस्थान में कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। बुजुर्ग लोगों ने अनुभव के आधार पर सब चीज़ों को बनाया। जैसे निशांत रे पिवैत जीवा, निशांत रे यानी समझ लो पिवैत दुग्धम, और यानी निशांत रे पिवैत बाणी, यानी दिनांत रे पिवैत दुग्धम, और निशांत रे पिवैत बाणी, और भोजांत रे पिवैत तक्रम प्रिय स्वास्थ्य वर्धकम। जैसे कहा गया कि रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पी लो, बढ़िया से पेट साफ हो जाएगा। सुबह उठो, पानी पियो शाम का रखा हुआ, और सोच के लिए जाओ, अमृत की तरह से काम करेगा। जैसे आने समझ लो कि सुबह आने दही अमृत तुल्य होता है, रात को दूध अमृत तुल्य होता है, ऐसे सुबह पानी अमृत तुल्य होता है। और दोपहर में तक्र, तक्र किसको कहते हैं, इंद्र से तक्रम दुर्लभम कहा गया। इंद्र को भी तक्र माने होता है मट्ठा छाछ, जिसको पतला दही कहते हो। भोजन के बाद एक गिलास पी लो, तो भोजन की जितनी गर्मी है सब खत्म कर देता है। तो कहते हैं ये अमृत की तरह से काम करता है। ऐसे ही राजस्थान के बुजुर्गों को जो अनुभव था उन्होंने लिख दिया, कह दिया कि कोई अगर भांग खा करके आवे तो भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। और अगर कोई गांजा पी के आ गया, गाली कुत्ता दे रहा है, बक बक झक झक कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और अगर कोई शराब पी के आ गया, तब कहते तब तो कुछ खोजना ही नहीं, जूता उतारो पैर में से, हाथ दो चार जड़ दो, बस शराब का नशा उतर जाता है। कहा ना, भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूसड़ा, और जो इच्छा हो पी खुलड़ा, किसको कहते हो, सूखा जूता। तो देखो, आप लोगों में से कोई पीते हो तो हमको माफ करना, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि जिनको उतारना अभी तक नहीं मालूम था उनको मालूम हो गया। आप अगर रात को पी करके आए और इन्होंने चटका दिया गाल के ऊपर, तो कितना कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर, और तूने मेरे साथ ये क्या किया, तो वो तो फौरन पैर छू लेगी और कहेगी आपको तो मारा नहीं, उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे, जब माफी मांग लेगी तो गाल तो लाल हो ही जाएगा। और अगर वो थोड़ा ताकत ज्यादा लगा के मार देगी तो समझ लो कि खाल उजड़ जाएगा, चेहरा बदसूरत हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम क्यों करना, खोसड़ा खाने वाला काम क्यों करना। आज ही संकल्प बना लो कि अब आज से नहीं, शराब को छूना नहीं है। मुसलमान के किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि गंगा जल कृत वारुण जाना,
और तड़प न संत करें तहीं पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए, मत पीना। संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। संकल्प जब बना लेता आदमी तब छूट जाता है। आप समझो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को छोड़ा दिया और मेरे कहने से भी प्रेमियों ने छोड़ दिया, तमाम दुकानें बंद कर दी, अरे मांस की और शराब की, और समय लोग उसके दूसरा धंधा शुरू कर दिया लोगों ने, उसमें ज़्यादा आमदनी हो रही है। आमदनी के लिए ही तो आदमी करता है, तो ज़्यादा आमदनी होती है तो दूसरी दुकान खोलता है, ज़्यादा चलने लगती है तो पहली बंद कर देता है। तो विश्वास करो, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता वो है, खिलाता वो है, परवरिश वो करता है, और जब उस पर से विश्वास आप हटा देते हो तब हिंसा हत्या करके मार काट करके दिल दुखा करके लाने लगते हो, बस घर का भी चला जाता है। लक्ष्मी को जब आदर के साथ लाया जाता है तब लक्ष्मी रुकती है। जुआ में जो दांव में लगा करके रुपया पैसा लाता है जीत करके, उसके पास पैसा रुकता है, दूसरे दिन फिर हार जाता है। चुरा करके जो लाता है रुपया पैसा लक्ष्मी को, चोर के पास पैसा नहीं रुकता। पूछो कितनी चोरी किया, कहता पूरे जीवन में कई सौ करोड़ की चोरी किया। ओ है तेरे पास कितना, कहता कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल घूम रहा हूँ। कब आप समझो बरकत लेना सीखना चाहिए, और बरकत जब मिल जाती है तो सब काम बन जाता है। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नाम दान दूंगा, अनमोल चीज दूंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, वो मैं आपको दूंगा। उसके बदले में आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। मांगता से कोई कुछ मांगता नहीं है, आप भी तो किसी से मांग रहे हो, जरूरत पड़ेगी उसी से हम भी मांग लें, और तो हमारे गुरु महाराज देने वाले, कल जिस चीज की जरूरत है मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो आपसे क्या मांगू, कुछ नहीं मांग। अब अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए भले मांग लूंगा। अगर आप शाकाहारी सदाचारी रहे और भजन करते रहे और जरूरत पड़ेगी गुरु महाराज से आपके लिए मांग लूंगा, ये तो सक्षम है। गुरु को ही इसीलिए कहा गुरु महागुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, यही सब कुछ है, तो इनके पास तो सब कुछ है। ये तो इच्छा कर ले वो काम हो जाए, जो इच्छा कीनी, पहले आदमियों में वो शक्ति थी कि जो इच्छा कीनी मन माही और प्रताप कर बोला। यहाँ तक कि धार्मिक लोगों के पास तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पंजाय सुभाए, निम सहता सागर माँ जाही, यद्यप ताय कामना नहीं, और तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पंजाय सुभाए। ये इतिहास मिलता है कि त्रेता में तो पानी मांग करके काश्तकार बादल से लेता था मेघ से, लेकिन सतयुग में जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे। निमित्त मात्र लोग खेत को जोत करके चले आते थे, और जब जरूरत पड़ती थी बादल आ करके बरस जाते थे। ऐसे ना इच्छा रखते हुए भी वो चीजें हाजिर हो जाती आ जाती हैं। तो अब आप ये समझो कि आप ये सोचो नहीं भाई, ये इतनी दूर से आए हैं और हमको अनमोल चीज दे रहे हैं, वो नाम बता रहे हैं जिसके लिए मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त्र मूलक दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो, वो नाम बताने जा रहे हैं तो हमको कुछ देना चाहिए, तो दे दो। आप अपनी बुराइयों को ही छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब तौबा कर लो, कान पकड़ लो, मत करना। संकल्प बना लो कि अब हम इन बुराइयों से दूर हो जाएंगे, यही आपकी सबसे बड़ी अन समझ लो कि दक्षिणा होगी। अब ऐसा काम मत करना। देखो नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, ध्वन्यात्मक नाम होता है, जो धनियों के मुंह से निकलता रहता है वो होता है ध्वन्यात्मक नाम, वो माँ के पेट में नहीं आते हैं, गर्भ में नहीं आते हैं, और अभी माया के इस लोक में माया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो उनके मुंह से निकलता रहता है जो आवाज, वो ध्वन्यात्मक नाम होता है, उसको निर्मायक कहा गया। और जो माँ के पेट में आते हैं, गर्भ में आते हैं, वो पैदा होते हैं इस मृत लोक में माया के देश में आते हैं,
तो निर्मायक नाम होता है। ऐसे पैदा होने वाले जो हैं अन्य समय लो कि उनका नाम अन्य समय लो कि जगाया जाता है, नाम रखा जाता है, उसी नाम को अन्य उस मालिक से वो जोड़ देते हैं, उस धार से जोड़ देते हैं तो वो नाम जग जाता है। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम। इससे पहले जो युग था सतयुग, उसमें गुरु नाम था और गुरु नाम में शक्ति थी, ताकत थी, इससे उद्धार भी होता था। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने जगा लिया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे। देखो तो जितने भी लोग आए सब लोगों ने गुरु किया। काना राम कृष्ण से को बड़े सो तो गुरु कहीं, और तीन लोग के जे धनी घुरा गए आधी। गुरु के कृपा से ही राम की पूजा हुई, गुरु के ज्ञान से ही, गुरु के सीख से ही राजगद्दी पर उन्होंने ठोकर मारा। गुरु के सिखाने बताने समझाने और जानकारी कराने से ही पिता का अन्य महत्व समझ पाए और पिता के कहने पर, पिता के आदेश का उन्होंने पालन किया और राजगद्दी पर ठोकर मार दिया। आप समझो गुरु की शिक्षा से ही कि देखो प्रजा तुम्हारी प्रजा है, सेवक है, और प्रजा का ध्यान रखो, प्रजा के बातों पर विश्वास करके, गुरु के बातों के सीख से, और प्रजा के कहने पर सीता जैसी पत्नी को, सती को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। तो गुरु के कृपा प्रमाण भी मिलता। जब रावण को मार करके वापस आए तो माता कौशल्या को भ्रम हो गया, अति सुकुमार युगल मेरे बारे कौन बात लंका पट मारे। तब उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे और तिनके कृपा धनुर्जन मारे। उस समय पर जब धनुष यज्ञ में गए थे और धनुष तोड़ने का जब समय आया तो उन्होंने कहा उठो राम भंजो भोचापू, मैं तो हम जनक सकल पर टापू। जब सब निराश हो गए और राजा जनक भी निराश हो गए कि धनुष अब रखता है तोड़ नहीं पाएगा कोई, तो विश्वामित्र जी ऐसे बैठे हुए थे सिंहासन पर और राम और लक्ष्मण ऐसे खड़े थे। राजा जनक ने कहा अब आप ही अन्य कोई व्यवस्था बनाओ। तब उन्होंने कहा उठो राम, खड़े थे तब क्या उठो, अरे बैठे होते तब तो उठो का मतलब था, उठो मतलब उठाओ, पूरी शक्ति को शरीर के खींच करके भौहों के बीच में लाओ। उठो राम भंजो भव चापो, भौहों से चापो, ताकत लगाओ, धनुष के ऊपर दृष्टि डालो, ताकत की दृष्टि और धनुष को तोड़। तो उन्होंने पूरी शक्ति को खींचा, जीवात्मा यहाँ बैठी है, यही शरीर को चला रही है, इसकी शक्तियाँ सारी की सारी फैली हुई हैं। तो उन्होंने कहा सब को खींचो, पूरी ताकत ले आओ यहाँ भौहों के, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई और उस जीवात्मा की आँख से देखो तो धनुष टूट जाएगा। तो पूरा ताकत उन्होंने खींचा लेकिन कुछ नहीं हिला तक नहीं धनुष। तब बोले अब सिवाय गुरु की दया के और कोई धनुष तोड़ नहीं सकता है। तब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना और अति लाघव उठाया धन लीना। गुरु को प्रणाम किया, गुरु की दया मांगी तो छुअत उठावट खैचत गाढ़े, खुद छूटे उठाते देखा ही नहीं और धनुष तोड़ दिया। गुरु हमेशा रहे। आप समझो कि कबीर साहब सुते संत थे। जब इस धरती से ऊपर जीवों का जाना बंद हो जाता है तो योग गीत इस धरती पर संत के रूप में आते हैं और अन्य वहाँ का रास्ता बताते हैं, रास्ता खोलते हैं सतलोक का। तो समझ लो कि अन्य योग गीत के रूप में अन्य योग गीत का अंश अन्य कबीर साहब आए थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया। रामानंद जी अन्य समझ लो उस समय के बड़े विद्वान थे। विद्वता अलग होती है, जो पढ़ लिख लेता है विद्वान हो जाता है, लेकिन ज्ञानी वो होता है जो अपनी जीवात्मा को निकाल करके ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाता है। ज्ञानी वो होता है जहाँ से ये विद्या उतरी है, अक्षर उतरा है, जब वहाँ पहुँच जाता है तो विद्वता अपने आप उसके अंदर आ जाती है। तो रामानंद जी विद्वान तो थे लेकिन ज्ञानी नहीं थे, तो वो उच्च कुल खानदान के थे। तो कबीर को लोग जुराहा समझते थे, तो उनके यहाँ दरवाजे तक जाने नहीं देते थे। एक दिन किसी तरह से लुके छिपे वहाँ तक पहुँच गए तो गुरु जी माला अपना खोल रहे थे और दूर गेट के बाहर खड़े हुए थे ये। तो वहीं से इन्होंने कहा गुरु जी आप बहुत देर से परेशान हुआ, आपका माला देखो वहाँ रखा है।
उन्होंने देखा तो कहा रे, ये तो देख भी नहीं रहा, बता रहा है, इसका मतलब ये ज्ञानी है। तो उन्होंने सोच लिया कि अब इसको गुरु बनाएंगे कबीर को, और गए और सीने से लगा लिया। बोले कबीर किस लिए आए हो? तो कहा आपको गुरु बनाने के लिए। बोले अरे अपने मन में सोचे तो उल्टा हो गया, मैं तो इनको बनाना चाहता था, इन्होंने मुझे कह दिया। तो फिर धीरे से कहा कबीर ये बताओ कि अब तुमको गुरु बनाने की क्या जरूरत है? तब बोले गुरु की मर्यादा रखने के लिए, गुरु का नाम न खत्म हो जाए, महत्व न खत्म हो जाए, इसलिए। फिर उन्होंने कहा आखिर मेरा क्या होगा जब तुम मुझे गुरु बना लोगे? बोले अगले जन्म में आपको भी पार किया जाएगा, इस जन्म में आप मेरे गुरु रहोगे। तो उन्होंने भी गुरु किया। पहले ही दिव्य दृष्टि खुली हुई थी उनकी। हो जाता है ऐसा, ऐसा हो जाता है भाव जब बन जाता है और भक्ति जब अंदर से आ जाती है, और नहीं भी मिलते हैं बाद में मिलते हैं, या कोई इनकार भी कर देता है तो भी अभी भाव के अनुसार से भक्ति आ जाती है। तो जारत वो कौन थे? आने समझ लो कि वो आपके एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य। तो एकलव्य कौन था? छोटी जाति का था, कुल भील था, और वो वहाँ रहता था जंगलों में। उसकी भी इच्छा हुई कि हम भी धनुष विद्या सीख लें। द्रोणाचार्य के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा तुमको नहीं सिखाएंगे, हम राजपुत्रों को ही सिखाते हैं, राजकुमारों को ही हम सिखाते हैं धनुष विद्या। लेकिन उसकी श्रद्धा उनके प्रति जग गई और उनको गुरु मान लिया उसने, और मूर्ति बना दिया, और उसी मूर्ति को ध्यान करके और संकल्प बना करके और मालिक से दया मांग करके और विद्या सीखता रहा। अपने आप प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया तो वो बहुत सी विद्या आ गई, ज्ञान आ गई। तो एक दिन उधर जंगल की तरफ से जा रहे थे द्रोणाचार्य, उनके साथ और लोग थे, तो कुत्ता था साथ में। तो कुत्ते को बड़ी आहट होती है, पत्ता गिरे तो कुत्ते पता चल जाता है, हिरण को और कुत्ते को। आप समझो जंगल में इसीलिए ऋषि मुनि कुत्ता और हिरण पालते थे, अब तो चोर डकैत लोग पालने लग गए कि कोई आ रहा हो तो पता चल जाए, ऐसे कान खड़ा कर देते हैं ये। तो अब आप ये समझो कि कुत्ते को आहट लगते ही वो भूखता है, तो कुत्ता भूखा द्रोणाचार्य के साथ जो जा रहा था, तो वो समझा कि कहीं हमला न कर दे, तो उसने एक तीर छोड़ दिया। अब तीर छूटा उसके मुंह में लगा और पूरा तीर से ही मुंह भर गया। द्रोणाचार्य ने कहा ये तो मेरी विद्या है, ये तो ज्ञान किसी को है ही नहीं धरती पर, ये किसने तीर छोड़ा? तो लौट पड़े और उसी तरफ चले गए। तो देखा कहा तुमने तीर छोड़ा? बोले मैंने छोड़ा। तो ये विद्या सीखी कहाँ? कहा आपसे। बोले मैंने तो तुमको मना कर दिया था। बोले मेरे भाव बने आपको गुरु बनाने के, वो प्रेम करने के, श्रद्धा मेरी जग गई आपके प्रति, आपकी दया से ही मैंने सीखा। तो वो तो क्रोध में थे, उन्होंने दुष्टता किया, कहा तो दक्षिणा मेरी। तो कहा दक्षिणा तो हाजिर है जो आपको। तो उन्होंने कहा तुम अपना अंगूठा काट करके दे दो। अने विद्या ही खत्म करा दिया उसको, अंगूठा ही नहीं रहेगा तो कैसे तीर चलाएगा? तो अब आप ये समझो कि भाव से ही तो पत्थर पूज करके और लोगों लोग अपना आराम ले लेते हैं बीमारी में तकलीफ में। तो अब आप ये समझो कि अने उन्होंने भी गुरु किया। किसने गुरु किया? कबीर साहब ने भी गुरु किया। तो गुरु हमेशा रहे, इसलिए जय लगाया गुरु महाराज ने और देव माने देने वाला। तो यह जय गुरुदेव नाम में पूरी ताकत इस समय पर है, पूरी ताकत। बहुत से लोगों ने परीक्षा लिया, आप भी एक बार परीक्षा लेकर देख सकते हो मुसीबत में। और आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो प्रेमियों रटा दो लोगों को, रट जाएगा तो नहीं भूलेगा। देखो 70 साल 60 साल के आप इसमें बैठे हो, बचपन में जो प्रार्थना श्लोक याद किया था आज भी याद है, और आज याद करने लगोगे नहीं याद होगा। तो बच्चों को जब रटा दोगे याद करा दोगे तो कहा कोट कोट मुन जतन कराई अवंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर नाम मुँह से निकलता ही नहीं है, और निकल जाए तो नाम ही मददगार हो जाए, यमराज के दूत अभी हट जाए, और नहीं तो मार मार करके कूट कूट करके इस जीवात्मा को निकालते हैं। तो जगह जगह नाम धुनी करो, 24 घंटे की 12 घंटे की जय गुरुदेव नाम धुनी, और रटाओ लोगों को।
नहीं तो दो दो घंटे की तो सब लोग अपने अपने घरों में कर ही सकते हो। हफ्ते में एक बार ही सही, 15 दिन में, महीने में ही एक बार सही, लोगों को इकट्ठा कर लो, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलो, रटो रटाओ। अरे बच्चियों, भोजन बनाने के बाद आप जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोल करके तब खिलाना शुरू करो। बच्चों से कहोगे जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलो, बैठो, नहीं बोलेंगे। और जब मालूम हो जाएगा कि जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने के बाद ही खाने को मिलेगा, तब जैसे कुकर सीटी देगा तैसे दादाजी चलो, बाबा चलो, चाचा चलो, चाची चलो, भाई चलो, चलो 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 ध्वनि बोला जाए। अरे भूखाएंगे तो नहीं बोलेंगे, रट जाएगा, और रट जाएगा तो ये जगाया हुआ जो नाम होता है उस मालिक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कोई यहाँ बोलता है फौरन आवाज वहाँ पहुँच जाती है और मदद हो जाता है। तो आप ये समझो कि जय गुरुदेव नाम, आप बता दो, कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो, सबको बता दो कि सोने से पहले जय गुरुदेव नाम बोल करके सोना। कुछ दिन अगर बोलने लगेगा, कर्म उसके कटेंगे, भाव अगर उसका अच्छा बनेगा तो उसको फल मिलने लग जाएगा, फिर खोजेगा, पूछेगा और क्या करना चाहिए, तब बता देना कि शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ, नामदान लेकर के अरे भजन कर लो, जीवात्मा का कल्याण कर लो, नर्क चौरासी से छुटकारा पा जाओ, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन करने लग जाओ, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेने लग जाओ, सहारे तीरथ अरे इसी में दिखने लग जाओ, करने लग जाओ, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियाँ जो अंदर बह रही उसी में नहाओ, तब ये बात बता देना। तो देखो बहुत समय हो गया, अब आपको नामदान दे दूंगा जो नए लोग आए, देर नहीं करता हूँ। देखो समझो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है। जैसे आपके दरवाजे पर कोई आया और कोई गया अंदर कमरे में, आपको बताया कि कानपुर से आपका दोस्त आया है, तो आपको याद आ जाएगा कानपुर में दोस्त हमारा मोहन रहता है, आवाज लगाओगे मोहन, बोलेगा हाँ, आवाज पहचान जाओगे कि मोहन ही है। ऐसे ही उस मालिक का नाम है, जो 5 धनी हैं इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज है, इन्हीं के लोकों में से होकर जीवात्मा ऊपरी रूप में जाती है, सतलोक जाती है, तो इनका इनको याद करना पड़ता है, खुश करना पड़ता है। तो इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान, इनकी आवाज है, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज। वो मैं अभी आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा, जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद मिल जाएगा, ले लेना, न मिल पावे पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को, और टेप करके भी मत सुनाना, बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, ये नाराज हो जाएंगे, नुकसान कब हो जाएगा, बताना मत। दूसरी चीज आप और समझो, अभी ध्यान लगाने को बताऊंगा, और ध्यान जब इस तरह का आप लगाने लगोगे लगातार, मन को रोक करके लगाओगे, तो आप समझ लो ऊपरी लोकों में जीवात्मा आपके जाने लगेगी, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता जब दिखेंगे सामने, तब आपको विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हम सही जगह पर हैं। लेकिन इतना खुश हो जाओगे कि बताने लगोगे लोगों से, अरे कोई सस्ता सामान खरीद करके आता है तो पूरे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बताता है, अरे सेल लगी है, साड़ी बहुत सस्ती मिल रही है, ओ सामान सस्ता मिल रहा, चले जाओ ले आओ। तो ऐसे ही फायदा हो जाता है, 2 महीने की तनख्वाह ज़्यादा मिल गई तो कहता है उसके बाद तो हमको 2 महीने मिल गया तनख्वाह, खुश हो जाता। ऐसे ही जब देखोगे, सुनोगे, समझोगे, ऊपर शहर करोगे तो हजम नहीं कर पाओगे, बताने लगोगे लोगों को, और जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ जल्दी मिलेगी नहीं। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े और सुनाई पड़े तो आप बताना मत किसी को, और आप इस बात को समझो कि ये कल जो है
बड़े जिम्मेदार और प्रतिष्ठित आए थे यहाँ पर, लेकिन वो अपनी बात सबके सामने कह के ही गए कि 5 मिनट के ध्यान में भी ध्यान में ही उनको कुछ दिखाई पड़ गया। आप जो लोग कल रहे होगे सुने होगे, ऐसे ही इसमें मन को ही रोकने की जरूरत है। दिल दिमाग बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि भाई जब ये कह रहे हैं और चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि ध्यान लगाओगे तो दिखाई पड़ेगा, तो लाओ मन को लगा दें उधर, रोक लें। क्रीम ब्रेन वाले जो होते हैं वो तुरंत विश्वास कर लेते हैं और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, तो मन अगर रुक गया तो दिखाई पड़ जाएगा, देर नहीं लगता है मन को रोकने की कोशिश करना। तो आप ये समझो कि जब देखोगे तो मस्त हो जाओगे, मस्त होकर के दूसरों को बताने लगोगे और बंद हो जाएगा, फिर नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए बताना मत किसी को। अब आप ये समझो कि 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। 3 चीज आप और समझो, 3 आँख 3 कान और 3 नाक, 2 आँखें ये बाहर और 1 आँख अंदर, यहाँ जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है उसमें, जिसको दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु शिवनेत्र थर्ड आई कहते हैं, वो एक तीसरी आँख, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उस कान से अनहद वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, गैवी आवाज साउंड जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है, 3 नाक, 1 सुरा के दाहिनी तरफ और 1 के बाईं तरफ ये नाक, और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है और वो खुशबू मिल जाते साधक मस्त हो जाता है। कान रात को कोई भांग खा ले, शराब पी ले, सुबह नशा उतर जाएगा, लेकिन नानक साहब ने कहा नाम कुम्हारी नानका, तो चढ़ी रहे दिन रात भांग भकुर सुरा पान पर जाए पर भार, तो वो नशा जल्दी नहीं उतरता है। तो 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 नाक 3 आँख 3 कान, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज ये, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज, ये मैंने आपको बतलाया। अब आपको दूंगा नाम ध्यान, बैठ जाओ। पुराने लोग भी समझो, रोज के हम ताजा हो रहे हैं, नए ही अपने को समझना चाहिए। पुराने लोग अन्य तो समझ लेते हैं हम खुदा हो गए, हाँ कोई कहता हम 40 साल के, कोई 60 साल के नामदानी, और पूछो काका सुमिरन कैसे करते हो तो नाम इधर का उधर बता देंगे, हाँ कह रहे ध्यान, अरे हम तो जय गुरुदेव बोल लेते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर बहुत है। अरे भाई कृपा तो है आपके ऊपर, तो आपके धन में बढ़ोतरी हो रही होगी, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन आपकी आत्मा कहाँ तक पहुँची? अरे कुछ दूर सफर किया, 1-2 किलोमीटर गई, कुछ नहीं, वही की वहाँ पड़ी हुई है, उसी तरह से पड़ी है कि जैसे एक पत्थर ऐसा होता है कि जो धूप में तपता रहता है और दूसरा पानी में पड़ा रहता, थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन पत्थर ही तो दोनों रहते हैं, तो जब पत्थर ही रहोगे जड़ता रहेगी, जड़ मतलब एक जगह पर जमी रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, चेतन नहीं हो पाएगी, तो क्या मतलब होगा मेहनत करने का? आप भी आते जाते रहे गुरु महाराज के पास और गुरु महाराज भी आपके लिए मेहनत करते रहे, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, फल क्या निकला? अरे स्कूल में लड़का जाता रहे, पढ़ता रहे पढ़ता रहे, पास ना हो पावे, तो क्या मतलब है पढ़ने का? तो बैठो, मारो पार्टी, पार्टी मारो, जो जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। बैठो, अभी तो मन नहीं कहेगा लगाने को, लेकिन जब ध्यान लगाने लगोगे तो खूब लगवाएगा, लगातार लगाना, 10 दिन ध्यान लगाओगे और 2 दिन नहीं लगाओगे तो मन नहीं कहेगा फिर लगाने को, इसलिए बराबर ध्यान लगाते रहना। तो पहला है सुमिरन, दूसरा ये ध्यान, और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कि आसमान से तारे ऐसे जो है गिरते रहते हैं, फुलझड़ियाँ छूटती रहती हैं, और वहाँ की जमीन, अरे जैसे अब ठंडी आ रही है तो ओस की बूंदें जो घास के ऊपर गिरती हैं,
और देखो ऐसे तो मोती ही मोती ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ही जमीन दिखाई पड़, आसमान देखो तो उसी तरह सुंदर। अरे वहां से जाने के बाद कोई यहाँ नीचे उतरना पसंद करता है? वो जब चढ़ गए राजा जनक अरे अष्टावक्र की कृपा से ऊपर गए तो अष्टावक्र कह रहे लौटा लौटा। राजा कह रहा नहीं आऊंगा, मत बुलाओ मत बुलाओ। उठो लोग लाज बचाने के लिए कि कहना दे कि मार डाला मेरे राजा को, बच्चे और प्रजा चिल्लाने न लग जाए। इसलिए उन्होंने फिर डोर को ढीला किया। जैसे पतंग कोई उड़ाता है तो डोर उसके हाथ में रहती है, ऊपर नीचे जिधर चाहता है वो पतंग को ले जाता है। ऐसे गुरु के हाथ में डोर रहती है, वह जिधर चाहते हैं जब दया करते हैं तो उधर ढीला कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, ये उनके हाथ में रहती है। तो जैसे उन्होंने तवज्जा ढीला किया बस फौरन आ गया, आँख खोल दिया, यहाँ देखा कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। तो अब आप समझो बड़ा आनंद और बड़ी मस्ती आने समझो आएगी। जब सुनने लगोगे देखने लगोगे तो करना जरूर, और प्रचार प्रसार प्रेमियों करते रहना, शाकाहारी बनने और बनाने का अभियान बराबर चलता रहेगा। नाम धुनी जरूर करना, नाम याद कराना, और गृहस्थी को भी अपनी यानी ठीक से देखते रहना, संभालते रहना बच्चों को, बच्चे बिगड़ने न पाए। देखो अच्छा समय तो आएगा, जो लोगों के दिल और दिमाग में नहीं है ऐसा अच्छा समय आ जाएगा, लेकिन ये बीच का समय खराब है। अभी अपहरण बलात्कार चोरी डकैती ठगी ये बहुत बढ़ेगी। देखो संगत अपनी बढ़ रही है, और आप जो नए लोग आते हो मैंने देखा आपके अंदर श्रद्धा बहुत है, और बस आप उसी में आने समझ लो कि श्रद्धा में कहीं लूट न जाओ, कहीं ठग न जाओ। इसलिए यह बता रहा हूँ आपको। अरे आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो कहेंगे महाराज जी ने भेजा है, महाराज जी ने कह दिया है, महाराज जी से पूछ के आया हूँ, महाराज जी से मिल करके आया हूँ, महाराज जी के मोह से ये हो रहा है। लेकिन हर बात पर विश्वास मत करना। जो पुराने लोग यानी जिनको आप जानते हो समझते हो, और नहीं जानते नहीं समझते तो जिम्मेदार जो जिलों के हैं उनसे आप पूछ लो, प्रांतों के जिम्मेदार से आप पूछ लो कि ये व्यक्ति ऐसा आया है और ऐसा कह रहा है तो ऐसा सही है कि गलत है, तब विश्वास करना। आपके पास आ जाएंगे, खूब गीता रामायण की बात, खूब संत मठ की बात बताएंगे, खूब किस्सा कहानी सुनाएंगे, और आने समझ लो दो घंटा बैठ करके ध्यान लगा देंगे और भजन कर लेंगे, मालूम पड़ेगा बड़े भक्त हैं, पहुंचे हुए फकीर हैं, साधना में बड़े माहिर हैं, और पैसा लेकर चले जाएंगे। कोई यह कम नहीं कहेगा कि मुख्यमंत्री के पास मैं नहीं बैठता हूँ, प्रधानमंत्री से मेरी दोस्ती नहीं है। सब केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार ही बन जाते हैं जब ठगी करना होता है, और फिर प्रमोशन के नाम पर, एडमिशन के नाम पर, यानी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा खींच कर लेकर चले आते हैं। इसलिए यानी होशियार रहना, लालच मत करना, नहीं तो कहेंगे ये चार गुना कमवा देंगे, ये प्लाट खरीदो, ये मकान खरीद लो, ये बिक जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाए, लेकिन लालच मत करना। आप देखो अपने प्रारंभ पर विश्वास करना, जो भाग्य का होता है मिलते मिलता है, और संत तो भाग्य को भी बदल देते हैं। प्रारंभ में जो नहीं भी होता है, जरूरत पड़ने पर जब उसको मांगता है तो वो भी दे देते हैं, उनके पास तो खजाना होता है। आप तो गुरु के बंदे हो, इसलिए आपको चिंता फिक्र की जरूरत नहीं है, विश्वास तो आप करो, आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन भाव अगर अच्छे रहेंगे, भक्ति रहेगी, विश्वास रहेगा, तो विश्वास फल दायकम। गुरु पर भरोसा करो, गुरु महाराज के जो बंदे शिष्य जो आप हो सब गुरु महाराज पर भरोसा करो, गुरु महाराज आपको देंगे। आप नए लोग जो आए हो उनको भी हमारे गुरु महाराज देंगे, उनके पास तो खजाना है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठगों से होशियार रहना। और देखो पार्टनरशिप में तो कोई काम करना मत। आप समझ लो कि जिसको कहते हैं कि साझे में काम करने में होता है झगड़ा, आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ी झगड़ा कर लेती है, तो झगड़ा होते ही होता है, कब किसकी नीयत खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। थोड़ा ही कमाओ, और मतलब यह है कि अपना करो, जो भी बिजनेस व्यापार करना है करो, पार्टनरशिप का धंधा यानी समझ लो कि अच्छा नहीं होता है,
कोई भी काम करो, सोच विचार के करो, पैसा लगाओ तो सोचो पैसा निकल आएगा। ऐसी जगह पर आप पैसा लगाओ कि जिससे यानी आपका पैसा वापस आ जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना। बच्चे और बच्चियों, देखो अपने क्षेत्र को बचाए रखने के लिए आप यानी झांसे में किसी के मत आना। आप अपने मन पर कंट्रोल रखना। कुछ लड़के भी इस तरह के हैं कि जो लड़कियों का जीवन खराब कर देते हैं, और कोई लड़कियां भी लड़कों को खराब कर देती हैं, क्योंकि वो माया हैं। वो माया के जीव हैं, ये काल के हैं। तो समझ लो कि दोनों ये नहीं चाहते हैं, यानी काल और माया ये दोनों नहीं चाहते हैं कि ये आध्यात्मवादी बने, इनकी आत्मा का कल्याण हो, ये वापस जा पाऊँ। वो तो ये चाहते ही यहीं फंसे रहें, इसलिए दोनों का जोर इस समय कलयुग में चल रहा है। तो बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है, रहने की और समय पास करने की आवश्यकता है। तो अब आपका ये कार्यक्रम समाप्त होगा, लेकिन भगन भजन कराए छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये नए लोग आ गए। तो सुबह तो आपने कर लिया 25-25 मिनट और सुमिरन भी किया, लेकिन अब 5 मिनट भजन भी कर लो कि जिससे अन्य नए लोग भी सीख जाएं, और उसके बाद फिर आपकी होगी छुट्टी। और जिसको जैसे साधन सुविधा मिले, धीरे 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 रवाना होना। मान लो कोई बहुत दूर से आए हो, जिनको रात हो जाने को है, तो 11 बजे तक चलना है, और उसके बाद में यानी रुक जाना। कभी भी कहीं भी जाओ, अपने सवारी या साधन से, चार पहिया या दो पहिया के अपने वाहन से, तो रात को 11 बजे तक चलो, 11:15 तक फिर रुक जाओ, और 3 बजे के बाद फिर चलो। ये जो बीच का खराब का समय होता है, 12 से 2 के बीच का समय तो बहुत खराब होता है, उसमें तो चलने नहीं चाहिए रात को अपनी सवारी से, तो आप रुक जाना। वैसे तो ज़्यादातर आप आस पास के ही हो, धीरे धीरे जिसको सवारी साधन जैसा मिले, और धीरे धीरे प्रस्थान करो। हम भी अब प्रस्थान करेंगे। हम कहाँ जाएंगे अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं, जहाँ जरूर समझेंगे वहीं चले जाएंगे, लेकिन हम दीपावली में पहुँच जाएंगे उज्जैन। दीपावली में 2 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर होगा, वहाँ पर हम रहेंगे, सत्संग सुनाएंगे। बहुत से लोग बहुत दिनों से आते हैं कि त्यौहार जो है संतों के आश्रमों पर ही मनाया जाता है, तो वहीं चलना चाहिए। तो गुरु महाराज का आश्रम आता तो वहाँ भी लोग जाते थे, और गुरु महाराज के नाम का आश्रम बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में भी है, तो वहाँ भी लोग जाते हैं। हर जगह के लगभग लोग आते हैं, हर प्रांतों के, जिनकी आदत बनी हुई है। कुछ नए लोग भी आ जाते हैं, तो उनका भी सम्मान बनाए रखना है, उनकी भी आदत बनाए रखनी है। तो मैं वहाँ पर रहूँगा, और उसके बाद में फिर कार्यक्रम बनेंगे। मैं बैठने वाला नहीं, जब तक सांस चलता रहेगा तब तक चलता रहूँगा। आपके कमाई का 1 रोटी खाऊंगा तो मैं उसको पूरा अदा करूँगा, पूरा अदा करूँगा, उसको रखूँगा नहीं अपने पास। आप अगर हमको 1 दाना अपनी मेहनत की कमाई का खिलाओगे, तो हम आपको 10 दाने का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। बैठ जाओ, भजन पर बैठो, डालो कपड़ा। 5 मिनट बैठाऊंगा, ज़्यादा देर नहीं। डालो कपड़ा, डालो और आँख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, कान में उंगली लगाओ, कान में उंगली लगाओ, कान बंद कर लो, हाँ कान बंद कर लो, और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। ऊंचा ध्यान दे करके सुनना, जब कहूँगा तब खोलना रहेगा। बैठ जाओ। तो अब कार्यक्रम का होगा समापन। देखो आज शरद पूर्णिमा है, तो लोग कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाना चाहिए, इसमें अमृत की बरसात होती है। तो ये सब नियम कानून ये सब किसने बनाया था? महात्माओं ने बनाया था, संतों ने बनाया था। कैसा खाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, किस तरह से शरीर स्वस्थ रहेगा, नियम बना दिया कि 15वें दिन महीने में नदियों में स्नान करो। तो उसमें क्या होता है कि समझ लो कि हर तरह के तत्व उसमें आते हैं, लोहा भी आता है, सोना भी आता है, हर चीज़ बह करके आती है। उससे शरीर को जब धोते हैं उसका लाभ मिलता है। कान चैत्र चना बैसाख बेल, जेठ में शयन अषाढ़ में खेल, सावन हर्रे भादव चीत, क्वार मास गुड़ खाओ नित, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूछे करो दूर से मेल, माघ मास घी खाचर खाए, और फागुन उठकर प्रार्थना है। ये सब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, ये बताई गई। इसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बोले कि जो शरद पूर्णिमा के दिन की खीर होती है वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो
आप समझो उसी तरह से आप शरद पूर्णिमा के दिन आने समय लो कि ये जो आत्मा कमजोर सी पड़ी हुई है, जिसका मुंह इधर इंद्रियों के घाट की तरफ मन के साथ हो गया, इसको बलवान बनाने के लिए तो आज आपको नामदान दे ही दिया है, तो इससे वो बलवान होगी। तो अब होगी एक आरती, ये आरती दिया चिराग वाली आरती नहीं है, ये जो दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा बैठी हुई है वो सदगुरु से जो प्रार्थना करती है आरती करती है, द्वार पर ये बैठी हुई है और प्रार्थना करती है कि आप हमको अन्य दर्शन दो, आपके पैरों की अगर ध्वनि ही हमको कान में मिल जाएगी तो हम हमारी आशा बन जाएगी, हमारा उद्धार होगा, कृपा करो। तो वो आरती मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, सबको लाभ मिलेगा। भाव भक्ति के अनुसार जितने भी लोग आप यहाँ पर आए हो, कोई खाली नहीं जाओगे, गुरु महाराज सबको देंगे, सबको लाभ मिलेगा। और हमारी शुभकामना तो आपके साथ है ही, आपके परिवार के साथ है ही। तो बोलो जय गुरुदेव। करूं जो कर जोरी सतगुरु द्वारा तुम्हारे, विनग्रत दीपयारती साजु दो आखियां नमरारे, बाहु सहित नित बैठि जरोखे जो अत प्रियतम प्यारे, अगरानी सुनहु श्रवण हे अपने मन के काज विसारे, जागे सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे, शंख मृदंग सरंगी बंशी वीणा सुनारे, जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे, सतगुरु द्वार तुम्हारे,
द्वार तुम्हारे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से नाम ध्वनि सब लोगों को करना है, लगाना है और लगवाना है। तो आपने हमको बड़ा समय दिया, हम आपके आभारी हैं, व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, और जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, जिन अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देखो, देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धरना घेराव हिंसा हत्या आत्महत्या से दूर रहना, नियम कानून का पालन करना, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, बच्चों माता पिता की सेवा करते रहना, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहना, मेहनत से पढ़ना और थोड़े देर सुमिरन ध्यान भजन भी करते रहना। बोलो जय गुरुदेव। अरे आसपास के नागरिकों ने, गांव के लोगों ने बहुत सहयोग किया, इसी तरह प्रेम बना रखना सब लोग। अरे सब लोग, आप सब लोग दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। Yeah.